तो तुम ही हो, अनिंद सुंदरी ताने का स्वर था, जिसने मेरा सुहाग मुझसे अलग कर दिया है। तुमने मेरे प्रियतम पर अधिकार कर लिया है, उस प्रियतम पर जिसका इंतजार मैं 16 श्रृंगार किए 200 साल से कर रही हूं। ये झूठ है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना है, दिव्या शेखावत ने कहा। तुम्हारी आंखों पर स्वार्थ का पर्दा पड़ा है, सुंदरी बोली। यदि ऐसा ना होता तो तुम देख सकती थी कि वो ना विजय है और न ही तुम्हारा प्यार। ये झूठ है, हमारे प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता, दिव्या फुफकार उठी। तुम उस प्यार पर अपना अधिकार जमा कर बैठी हो जो कि तुम्हारा है ही नहीं। मगर याद रखो, मेरा हंसुकी मेरा है, सिर्फ मेरा, ओ दृढ़ता से बोली। इस बार दिव्या भी बौखला उठी। मगर ये कैसे हो सकता है, विजय चेतन प्रताप सिंह का बेटा है, सारी दुनिया जानती है और दुनिया ने यही देखा है कि वो इस घर में जन्मा इकलौता बेटा विजय ही है। मगर दुनिया ने वो नहीं देखा क्या, यही कि हंसुकी से मेरा इस जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतर से नाता है, सुंदरी बोली। और मेरी तो ये कहानी है, 200 साल की एक सुहागिन की कहानी। आदरणीय श्रोता नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं स्टोरी विद अरुण यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूं 200 साल की सुहागिन एक इच्छाधारी नागिन की सनसनीखेज, हैरत अंगेज व रोमांचकारी कारनामों से भरपूर एक सुपर नेचुरल उपन्यास के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से आप लोग सुनेंगे एक बहुत ही दिलचस्प नॉवेल जिसका नाम है नागिन और सुहागिन। सुपर नेचुरल सस्पेंस और थ्रिलर से भरा इस उपन्यास को आप लोग मेरे इस चैनल पर धारावाहिक रूप में सुन सकेंगे। आज इस नॉवेल का पहला एपिसोड आप लोग सुनेंगे। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विथ अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरीपूर्ण एक इच्छाधारी नागिन की कहानी, नागिन और सुहागिन। सुनिए इसी उपन्यास की पहली एवं इसकी प्रीमियर एपिसोड आरजे अरुण के साथ। रात्रि का वो दूसरा पहर था, गहरी काली अंधेरी रात थी, जबकि वो सुपर फास्ट रेलगाड़ी रात्रि के सन्नाटे का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। अधिकतर यात्री उस समय या तो सो रहे थे या फिर नींद के प्रभाव में थे। उस समय विजय प्रताप सिंह नामक उस खूबसूरत युवक ने अपनी निस्तेज आंखें उठाकर सामने की बर्थ पर बैठे उस बूढ़े आदमी की ओर देखा, जिसकी आंखें नींद और आलस्य के कारण भारी हो रही थी। मगर इसके बावजूद भी वो मुस्तैदी के साथ बर्थ पर बैठा हुआ था। चंदन काका, युवक ने पुकारा तो वृद्ध ने उसकी ओर देखा। कहिए छोटे माली, नींद आ रही है आपको? नहीं तो, वृद्ध ने अपने आप को संभालते हुए कहा। युवक मुस्कुराया। झूठ क्यों बोलते हैं काका, नींद तो आपको आ रही है, नींद का वक्त भी है, रात आधी बीतने को आई, नींद क्यों नहीं आएगी, आप सो क्यों नहीं जाते, रात भर से भी हमारा सफर पूरा नहीं होने वाला, आप सो जाइए ना। आप अभी जाग रहे हैं छोटे मालिक, ऐसे में मैं कैसे सो सकता हूं, आप सो भी गए तभी मुझे जागते ही रहना है, कम से कम रात्रि में तो मैं नहीं सो सकता। क्यों, इस समय, वृद्ध ने कहा, आपकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी मुझे अकेले को ही तो संभालनी है, इसीलिए अब रात में मेरी देखरेख की क्या जरूरत पड़ेगी, मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूं कि रात से मैं उठकर दूध के लिए रोने लगूंगा। ये आप, वृद्ध तनिक गंभीर हो गया, ये आप नहीं समझ सकेंगे,
छोटे मालिक, क्या नहीं समझ सकूंगा। ओ खुश किस्मत, ब्रीत का स्वर और गंभीर हो गया। बहुरानी ने मुझे ही समझा था छोटे मालिक कि अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने आपकी देखरेख की जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी थी और मैंने उन्हें वो वचन दिया था कि किसी भी हालत में आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं भला उस जिम्मेदारी से कैसे लापरवाह हो सकता हूं छोटे मालिक। कहते कहते ब्रीत की आंखों में आंसू की दो बूंदे झलक आई। ऊपर वाले ने कितना क्रूर मजाक किया था हमारे साथ कि उस देवी को वक्त से कितनी पहले ही हमसे दूर कर दिया। बहुरानी सचमुच में देवी थी छोटे मालिक, ऐसी देवियां कभी कभी ही पैदा हुआ करती है, कहकर वृद्ध अंगोछे से अपनी छलक आई आंखों को पोछने लगा। युवक भी वृद्ध की बातें सुनकर तनी गंभीर हो गया। पहले से ही उसकी निस्तेज आंखें और भी निस्तेज हो गई। माँ हमेशा अपने बच्चे के बारे में यही सोचती है काका कि उसका बच्चा उंगली पकड़कर चलने लायक ही है, भले ही वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। मेरी माँ भी ऐसा ही समझती थी, मगर विजय प्रताप सिंह का स्वर भी गंभीर था। आप तो जानते हैं काका कि अब मैं उंगली पकड़कर चलने लायक नहीं हूं। उस समय भी नहीं था जबकि माँ हमें छोड़कर चली गई थी। आप ठीक कहते हैं छोटे मालिक, मगर फिर भी मेरी जिम्मेदारी मेरी देखरेख करना है। हाँ छोटे मालिक, मेरे आराम का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। जरूर है छोटे मालिक, तभी तो कह रहा हूं कि आप सो जाइए। अधिक रात तक जागना भी तो आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं हो सकता। और आप ये नहीं जानते कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही छोटे मालिक? इसलिए कि मेरे मन से ये बात नहीं निकल रही कि मेरे कारण आपके आराम में खलल पड़ रहा है। और जब तक इस प्रकार की कोई भी उलझन मेरे दिमाग में रहेगी तब तक नींद भला कैसे आ सकती है। ये तो मेरा कर्तव्य है छोटे मालिक, मेरा धर्म है, मेरी देखरेख करना ही तो आपका कर्तव्य है। अपने स्वयं के आराम में खलल डालना तो आपका कर्तव्य नहीं है। आप जानते हैं छोटे मालिक कि सोने के बाद भी आपकी देखरेख की कितनी जरूरत है। कतई जरूरत नहीं है। मगर छोटे मालिक, इस समय हम सफर में हैं काका, और सफर के दौरान मुझे इस प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता जिसके लिए आपको चिंता हो रही है। वो सब चलती गाड़ी में नहीं हो सकता। मगर छोटे मालिक, मुझे स्वयं नींद की जरूरत है काका, विजय प्रताप सिंह ने कहा, और इसके लिए जरूरी है कि आप भी सो जाएं। उसी हालत में मैं भी आराम के साथ सो सकता हूं। ठीक है छोटे मालिक, आप कहते हैं तो मैं थोड़ी देर की नींद लिए लेता हूं, मगर मैं पहले देख लेता हूं कि कूपे का दरवाजा ठीक से बंद है या नहीं। ओ ठीक है, मैं देख चुका हूं। ठीक है फिर, मगर बाथरूम वगैरह के लिए आपकी नींद खुले तो मुझे जगाने से पहले कूपे से बाहर न निकले। ठीक है, नहीं निकलूंगा, विजय प्रताप सिंह ने कहा। वृद्ध बर्थ पर अपना बिस्तर ठीक करने लगा। अर्धनिंद्रा की स्थिति में विजय प्रताप सिंह को एहसास हुआ जैसे उसकी कूपे के द्वार पर दस्तक दी जा रही हो। दस्तक देने का अंदाज भी अजीब सा था। विजय प्रताप सिंह अर्धनिंद्रा की उसी स्थिति में अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। फिर वो किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर बिस्तर से उठा तथा द्वार की ओर बढ़ गया। दस्तक बदस्तूर जारी थी। वो इस प्रकार द्वार की ओर बढ़ रहा था जैसे उसके कदमों पर उसका नियंत्रण ही ना हो। द्वार के करीब पहुंचकर उसने द्वार का वोल्ट गिरा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला उसी क्षण पायलों के छनकने का मंत्र मुग्ध कर देने वाला स्वर उसके कानों से टकराया। जैसे ही उसने कूपे से बाहर कदम रखा उसने किसी को पलटते हुए देखा था। जब तक उसकी दृष्टि वहां तक पहुंच पाती वो पूरी तरह से वापस घूम चुकी थी। उसके कदम पल भर के लिए जैसे जड़ होकर आ गए थे, रुक क्यों गए।
उसके कानों से वो खनखनाता स्वर मंदिर की घंटियों की तरह गूंजा, आओ चले आओ। ये स्वर मंत्र मुग्ध कर देने वाला था, वातावरण में सम्मोहित कर देने वाली ऐसी महक फैल रही थी जो उसने संसार के किसी इत्र में महसूस नहीं की। उसकी जानकारी के अनुसार संसार में कहीं भी इस प्रकार की सुगंध का अस्तित्व हो ही नहीं सकता था। निश्चित रूप से ये सुगंध किसी दैवी चमत्कार का ही परिणाम थी, और ये दैवी सुगंध रूप की उसी रानी के बीच से फूट रही थी जिसकी पीठ उस घड़ी विजय प्रताप सिंह के सामने थी, और रूपसी उस समय सुर्ख रंग का किसी नई नवेली दुल्हन का सा परिधान पहने थी। उसके जूड़े में चमत्कारी रंग के पुष्प महक रहे थे, और ये सम्मोहित कर देने वाली सुगंध शायद उन्हीं ताजे फूलों से निकलकर वातावरण में मधोसी बिखेर रही थी। आओ ना, उसने एक बार फिर निमंत्रण दिया, और इस निमंत्रण को नकार देना विजय प्रताप सिंह के वश में नहीं था, वो किसी के बस में भी नहीं हो सकता था। वो आगे बढ़ा, मगर उसी के साथ वो रूपसी भी आगे बढ़ी। इस प्रकार उनके बीच का फासला उतना ही रहा। कंपार्टमेंट में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था, पूरा कंपार्टमेंट नींद के आगोश में इस प्रकार डूबा हुआ था कि वहां किसी की उपस्थिति का आभास ही नहीं हो रहा था। विजय प्रताप सिंह ने उस रूपसी को गाड़ी के दरवाजे से नीचे उतरते देखा, और वो सम्मोहित सा उसी का अनुसरण कर रहा था। वो सुपरफास्ट गाड़ी उस समय देहाती क्षेत्र के एक छोटे से हाल्ट के आउटर पर खड़ी थी, मगर विजय प्रताप सिंह को तो इस बात का होश ही नहीं था कि गाड़ी खड़ी भी थी या चल रही थी। ऐसा कुछ सोचने की स्थिति में तो था ही नहीं। उस स्थिति में तो वो चलती गाड़ी से भी छलांग लगा सकता था, मगर ये उसका सौभाग्य ही था कि किसी तकनीकी कारण से गाड़ी आउटर पर रुकी हुई थी, और वो रूपसी गाड़ी से बाहर आकर आगे बढ़ रही थी। इस बीच उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वो जिस ओर बढ़ रही थी उधर अनंत तक फैला हुआ सुनसान जंगल था और अंधेरा। रात्रि के तीसरे पहर के आरंभ में वो जंगल मारे सन्नाटे के साए साए कर रहा था। उस घड़ी वातावरण इस कदर भयंकर था कि आम हालात में कोई साधारण आदमी उस सन्नाटे में कदम रखने का भी साहस नहीं कर सकता था, मगर वो स्थिति सामान्य नहीं थी। विजय प्रताप सिंह को किसी डरावने वातावरण की जरा भी परवाह नहीं थी। हमेशा निस्तेज सी रहने वाली आंखों में उस समय अजीब सी चमक थी, मगर उसका शेष जिस्म उस घड़ी एक अजीब से नशे के प्रभाव में नजर आ रहा था। उसके कदम हालांकि तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर उनमें अजीब सी लड़खड़ाहट थी, और उसके लड़खड़ाते कदमों की तेजी उस रूपसी के करीब पहुंचने की उसकी उत्सुकता को जाहिर कर रहे थे, मगर वो फासला कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। रूपसी के चाल में आश्चर्यजनक तेजी थी। इस बीच वो गाड़ी जिसमें विजय प्रताप सिंह अपने घरेलू नौकर के साथ सफर कर रहा था काफी पीछे छूट चुकी थी। वो ये भी नहीं जानता था कि गाड़ी अभी तक आउटर पर खड़ी ही थी या चली गई थी। गाड़ी आखिर उसके इंतजार में खड़ी तो नहीं रह सकती थी, उसे इसकी परवाह भी नहीं थी, उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो तो रूप की रानी के उस रूपजाल में फंस कर इस प्रकार सम्मोहित हो चुका था कि उसे उसके सिवा और किसी बात की परवाह नहीं थी। वो तो बस आगे बढ़कर उस रूपसी को स्पर्श कर लेना चाहता था, और एक बार उसके स्पर्श का आनंद लेने के लिए उसके पीछे कहीं भी जा सकता था।
वहीं वो कर रहा था और रूप की ओर आनी थी कि उसके हाथ ही नहीं आ रही थी। वो अपनी गति को जिस प्रकार तेज कर रहा था उसकी गति उसी के अनुपात में बढ़ जाती थी। फिर भी विजय प्रताप सिंह को जैसे इसका विश्वास था कि वो क्षण अवश्य आएगा जबकि वो हाथ बढ़ाकर उस रूपसी का स्पर्श कर सकेगा। वो देवी और चमत्कारिक सुगंध अब पूरे वातावरण में फैल रही थी जिसके प्रभाव से विजय प्रताप सिंह मंत्र मुग्ध हो रहा था। उसे इस बात का ख्याल तक नहीं रह गया था कि इस जंगल में अब तक वो मीलों तक निकल आया था। फिर उस अंधेरी रात में विजय प्रताप सिंह ने देखा कि उसके सामने कुछ दूरी पर किसी पहाड़ी की चोटियां किसी साय की तरह दिखाई दे रही थी और रूपसी उसी ओर बढ़ रही थी। इससे बड़ा चमत्कार तो ये था कि उस काली अंधेरी रात में भी रूपसी और उसका नई नवेली दुल्हन वाला परिधान इस प्रकार चमक रहा था जैसे उसके ऊपर कहीं से बिजली का तेज प्रकाश फेंका जा रहा हो, मगर उसका अस्तित्व कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब तक विजय प्रताप सिंह और रूपसी के बीच का फासला 4 कदम से बढ़कर लगभग 50 मीटर का हो गया था। फिर विजय प्रताप सिंह ने देखा कि रूपसी किसी पत्थर की एक ऊंची शिला पर चढ़कर रुक गई और वो स्वयं उसी की ओर खींचा चला जा रहा था। रूपसी ने अभी अपना चेहरा उसकी ओर नहीं घुमाया था, उसकी पीठ वाला हिस्सा ही देख सका था और उस समय जबकि वो उस पत्थर की शिला से मात्र कुछ कदम के फासले पर ही रह गया था और रूपसी उसकी ओर घूम गई। उसी घड़ी उसके बेपनाह रूप की चमक उसकी आंखों में इस प्रकार पड़ी कि वो चकाचौंध होकर आ गया। इसी के प्रभाव में उसका आगे बढ़ने वाला कदम एक बार फिर जड़ होकर आ गया। उसे एहसास हुआ जैसे इसी अज्ञात शक्ति ने उसके कदमों को शक्ति के साथ जकड़ लिया हो। वो आगे बढ़कर उस रूपसी को स्पर्श करना चाहता था मगर चाहकर भी वो ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था, मगर उसकी चुंधियाई आंखें उस चेहरे पर ठहर कर आ गई जिससे उसे कोई दिव्य ज्योति निकलने का एहसास हो रहा था। कई पल तक वो मंत्र मुग्ध सा उसे देखता रहा मगर वो स्वयं कहीं और देखती प्रतीत हो रही थी। उसके सामने कोई अनजानी सी पारदर्शी दीवार उसे महसूस हो रही थी जिसके कारण वो हाथ बढ़ाकर उस रूपसी को नहीं स्पर्श कर सकता था जिससे उसे कोई जन्म जन्मांतर का रिश्ता महसूस हो रहा था। विजय प्रताप सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर उसके होठ केवल कांप कर आ गए, कोई शब्द भी उसके होठों से बाहर नहीं आ सका। कई पल तक यही स्थिति रही। अंत में रूपसी की नजरें घूम गई। विजय प्रताप सिंह ने महसूस किया जैसे किसी दिव्य प्रकाश की 2 किरणें उसके संपूर्ण वजूद को स्पर्श करती हुई उसकी आंखों में आकर ठहर गई। उस घड़ी उस रूपसी के होठों पर जानलेवा मुस्कुराहट थी। विजय प्रताप सिंह को लग रहा था जैसे कोई अजीब सा सम्मोहन उसके मस्तिष्क पर हावी होता चला जा रहा हो। इसके सिवा वो जैसे सब कुछ भूल चुका था, यहां तक कि उसे अपने स्वयं के वजूद का एहसास तक नहीं था। वो यहां तक भूल चुका था कि वो विजय प्रताप सिंह था, कुंवर विजय प्रताप सिंह। क्या सोच रहे हो? रूपसी के होठों से निकलने वाला ये स्वर किसी दिव्य संगीत की तरह विजय प्रताप सिंह के कानों में गूंजा। उसके मस्तिष्क में झटका सा लगा। क्या सोच रहे हो? उसने दोबारा प्रश्न किया। मैं नहीं जानता, विजय प्रताप सिंह कठिनाई के साथ कह पाया। रूपसी के होठों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। कौन हो तुम? उसने अगला प्रश्न किया। मैं और कौन है यहां? मैं
तुम्हीं से तो पूछ रही हूं, मगर मैं तो नहीं जानता। क्या नहीं जानते? यही कि मैं कौन हूं। उत्तर में युवती की खनखनाती हंसी से पूरा वातावरण झनझना कर आ गया। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, संगीतमय हंसी के बीच में ही उसने कहा। विजय प्रताप सिंह हक्का बक्का सा उसकी ओर देख रहा था। क्या तुम वाकई नहीं जानते कि तुम कौन हो? हां, विजय प्रताप सिंह ने फंसे स्वर में कहा। हां, कमाल है। क्या कमाल है? यही कि तुम अपने आप को ही नहीं जानते। मैं वाकई नहीं जानता कि मैं कौन हूं, या भूल गए, पता नहीं। कोशिश करो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, सोचो। फिर ऐसा लगा जैसे विजय प्रताप सिंह अपने मस्तिष्क पर जोर देने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर तनाव के लक्षण उभर आए। याद करो, उसने विजय प्रताप सिंह के चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप विजय प्रताप सिंह के चेहरे पर सोच के लक्षण और गहरे हो गए। कुछ याद आया? हाँ, विजय प्रताप सिंह ने कहा। हाँ, क्या याद आया? यही कि मैं कौन हूं। कौन हो तू? मैं हंसुकी हूं मैं। और मैं, रूपसी ने कहा, मैं कौन हूं? तानी। तुम तानी हो, मेरी तानी। पहचान लिया मुझे? क्यों नहीं? इस बार विजय प्रताप सिंह के स्वर में बेसब्री थी। तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा भला? रूपसी के होठों की मुस्कुराहट और भी अधिक गहरी हो गई। मगर तुम, विजय प्रताप सिंह ने बेसब्री से कहा, तुम मुझसे दूर क्यों हो? मेरे करीब क्यों नहीं आती? उत्तर में तानी का चेहरा अनायास ही गंभीर हो गया। आ जाओ, विजय प्रताप सिंह ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। मेरी बाहों में आ जाओ मेरी तानी। मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा हूं, अब ये दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये संभव नहीं हो सकता मेरे राजा। तानी का स्वर उदासी में डूबा हुआ था। क्यों क्यों नहीं हो सकता संभव? इसमें रुकावट क्या है? बहुत बड़ी रुकावट है मेरे राजा। आखिर कौन सी रुकावट है? तुम क्या समझते हो मेरे राजा, कि तुम अकेले ही तड़प रहे हो? ऐसा नहीं है, मेरे सीने में भी वही तड़प है। मैं तो इसी क्षण दौड़कर तुम्हारी बाहों में समा जाना चाहती हूं। मगर क्या मगर? ये संभव नहीं हो सकता। हमारी किस्मत में यही लिखा है, जुदाई का ये जहर पीना ही हमारी किस्मत बन चुका है मेरे राजा। और ये जहर हमें पीना ही पड़ेगा, पीते रहना पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा हमें जुदाई का ये जहर? विजय प्रताप सिंह ने देखा कि उस रूपसी की मासूम सी आंखों में आंसू छलक आए थे। नहीं नहीं तानी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आओ, आकर मेरे सीने से लग जाओ तानी। मैं अपने हाथों से तुम्हारी ये आंसू पोंछ दूंगा। काश काश कैसा हो सकता, मगर यही नहीं हो सकता मेरे राजा। ये नहीं हो सकता। आखिर क्यों नहीं हो सकता? हमारे बीच की दीवार हमें नहीं मिलने देगी। दीवार? विजय प्रताप सिंह की आंखों में प्रश्न सूचक भाव उभरे। हां मेरे राजा, उसने कहा, एक शैतान ने हमारे बीच में ऐसी दीवार खींच दी है कि हम एक दूसरे के इतने करीब होते हुए भी बहुत दूर हैं। यहां तक कि हम एक दूसरे का स्पर्श तक नहीं कर सकते। कहां है दीवार? विजय प्रताप सिंह ने कहा, मुझे तो कहीं कोई दीवार नजर नहीं आ रही। मैं जानती हूं तुम्हें कोई दीवार नजर नहीं आ रही, वो तुम्हें नजर आएगी भी नहीं। क्यों? यदि कोई दीवार है तो मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आएगी? ये तुम नहीं समझ सकोगे मेरे राजा। मैं समझना भी नहीं चाहता। मैं तो बस तुम्हें अपनी बाहों में समा लेना चाहता हूं। यदि ऐसी कोई दीवार है भी, तो उसे पार करके भी मैं तुम्हें अपने दिल में इस प्रकार बसा लेना चाहता हूं कि फिर कभी तुम मुझसे दूर ना हो सको।
यही तो नहीं हो सकता। तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो, जबकि मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है। बाधा है, है तो मुझे बताओ कि वो कौन सी बाधा है। मैं ऐसी हर बाधा को दूर कर दूंगा, मगर तुमसे पल भर की दूरी भी अब मैं सहन नहीं कर सकता। वो बाधा तुम दूर नहीं कर सकते मेरे राजा। मैं हर बाधा को दूर कर सकता हूं, नहीं कर सकते क्यों कहा ना, ये तुम नहीं समझ सकोगे, मगर एक दिन वो बाधा अवश्य दूर होगी। उस दिन सारे बंधन टूट जाएंगे, तब कोई बाधा या कोई शैतान हमारे मिलन को रोक नहीं सकेगा। उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। जन्म जन्मांतर तक हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकेंगे। कब? हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा मेरे राजा। नहीं, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। इस तरह मुझे बहला कर तुम अपने आप को मुझसे अलग नहीं रख सकती। मैं तुम्हें बहला नहीं रही मेरे राजा, तुम ही नहीं समझ रहे कि हमारे बीच कितनी बड़ी मजबूरी है। मुझे किसी मजबूरी की परवाह नहीं। तुम स्वयं मेरे करीब नहीं आना चाहती हो तो ना सही, मैं स्वयं तुम्हारे करीब आ रहा हूं। नहीं, उसके स्वर में बौखलाहट थी। ऐसा मत करना मेरे राजा, ऐसा मत करना, नहीं तो गजब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मगर विजय प्रताप सिंह ने अपना कदम आगे बढ़ाया। रुक जाओ मेरे राजा, आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, आगे मत बढ़ना। कहते कहते उसका गला भर आया, मगर विजय प्रताप सिंह ने इसकी परवाह नहीं की। वो इतना अवश्य देख रहा था कि तानी के चेहरे पर उस घड़ी आतंक के भाव गहरे होते जा रहे थे। रुक जाओ भगवान के लिए, रुक जाओ, मगर विजय प्रताप सिंह अपना कदम बढ़ा चुका था और अब वो उस शिलाखंड के ठीक करीब था जिस पर की तानी खड़ी हुई थी। उसने अपना पैर उठाकर उस शिलाखंड पर रखना चाहा। उसी पल विजय प्रताप सिंह को लगा जैसे उसने सचमुच ही गजब कर दिया हो। उसे एहसास हुआ कि तानी ने गलत नहीं कहा था। उनके बीच वास्तव में ही एक अदृश्य दीवार थी और उसे पार करने की कोशिश करना कितना खतरनाक था। एक बार उसे लगा जैसे हजारों वाट का विद्युत करंट उसके जिस्म में लगा हो। उसके जिस्म में एक जबरदस्त झटका लगा और वो लाख कोशिश के बाद भी अपने आप को संभाल नहीं सका। वो लड़खड़ा गया और फिर पीठ के बल जमीन से टकराया। भरपूर कोशिश करने पर वो मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उस शिलाखंड की ओर ही देख पाया जिस पर उसने अब तक तानी को खड़े और बातें करते देखा था, मगर अब उसका वजूद कहीं नहीं था। उसकी आंखें हैरत से फैल जाना चाहती थी, मगर इसके बजाय वे बंद होती चली गई। भरपूर प्रयास के बावजूद भी विजय प्रताप सिंह अपनी आंखें खुली रहने में सफल नहीं हो सका और बेहोशी के गहरे खाई में गिरता चला गया। नींद के बावजूद भी बूढ़ा चंदन सिंह अधिक देर तक सोया नहीं रह सका। लगभग एक घंटा बाद ही उसकी नींद खुल गई। आंख खुलते ही उसने सबसे पहले विजय प्रताप सिंह की बर्थ की ओर देखा। उसी पल उसके मस्तिष्क में झटका लगा। विजय प्रताप सिंह की बर्थ खाली थी। बर्थ पर उसका बिस्तर तो खुला हुआ था, मगर उस स्वयं बिस्तर पर मौजूद नहीं था। गाड़ी के अंदर उस समय भी सन्नाटा था, मगर चंदन सिंह के मस्तिष्क में जैसे कोई भूचाल उठ रहा हो। वो एक झटके के साथ उठकर बैठ गया। उसकी नींद तो विजय प्रताप सिंह की बर्थ पर नजर पड़ते ही हवा हो चुकी थी। उसका सारा वजूद झनझनाकर रह गया था। कुछ पल के लिए तो उसका मस्तिष्क कुछ सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खो बैठा था और बड़ी मुश्किल से ही वो अपने मस्तिष्क पर काबू पाने में सफल हो सका।
उस समय उसने देखा कि उसके कूपे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, मगर उसने अपने आप को वह समझाकर तसल्ली देने की कोशिश की कि वह बाथरूम गया हो सकता था, इसलिए उसने उसका बाथरूम से लौटने का इंतजार करने का ही फैसला किया। और घबराहट की उसी स्थिति में वो ये सोच रहा था कि उसके लौटने पर वो इसकी शिकायत अवश्य करेगा कि बाथरूम जाने से पहले उसे क्यों नहीं जगाया गया। हालांकि इसका उत्तर भी वो जानता था, वो अपने छोटे मालिक के व्यवहार से अच्छी तरह परिचित था, उसका नौकर था, मगर छोटे मालिक ने कभी उसे नौकर का दर्जा नहीं दिया, वो हमेशा उसे अपने संरक्षण की तरह ही सम्मान दिया करता था। इस मामले में विजय प्रताप सिंह अपनी माँ की तरह ही नेक दिल इंसान था। बाथरूम जाने के लिए उसने चंदन सिंह की नींद में दखल देना पसंद नहीं किया होगा, और चंदन सिंह सोच रहा था कि यही उसका उत्तर भी होगा, मगर इंतजार का ये एक पल उसके लिए वर्षों की तरह बीत रहा था और बीतने वाला हर पल उसकी बेचैनी में इजाफा कर रहा था। इस प्रकार कुछ मिनट बीत गए और बीतने वाले इस थोड़े से वक्त में चंदन सिंह के सब्र का प्याला छलकने लगा। उसके लौटने का अब और इंतजार नहीं कर सकता था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चलती गाड़ी में अपने मालिक को वो कहाँ तलाश करे। मन में बड़े बड़े खतरनाक ख्याल आ रहे थे और उन्हीं ख्यालों के कारण उसका दिल बार बार कांप उठता था। अंत में उसने ही निश्चय किया कि स्वयं जाकर पहले बाथरूम और टॉयलेट आदि में उसे देखे, मगर बर्थ से नीचे कदम रखते ही उसकी नज़र मालिक के स्लीपर्स पर पड़ी। वे बर्थ के नीचे उसी स्थिति में रखे थे जैसे कि उसने तब देखे थे जब वो बिस्तर के हवाले हुए थे। आखिर नंगे पैर तो बाथरूम या टॉयलेट नहीं जा सकता था। एक बार फिर उसका दिल जोर से धड़क उठा। बाथरूम में उसकी मौजूदगी का ख्याल, जो कि पहले ही बहुत कमजोर था, अब उसकी संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी थी। फिर भी वो उठकर अपने कूपे से बाहर आया। डिब्बे में उस समय उतना सन्नाटा नहीं था, यात्रियों की गुनगुनाहट उसे सुनाई दे रही थी, साथ ही गाड़ी के शीशे से उसे इक्का दुक्का रोशनियां भी नजर आई। गाड़ी की स्पीड भी उस समय अब काफी कम हो गई थी। शायद कोई स्टेशन करीब आ गया था जिस पर की गाड़ी को रुक कर चलना था, मगर इस सब की परवाह ना करते हुए भी वो कपकपाते मगर तेज कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ा। उसी समय उसने किसी व्यक्ति को बाथरूम से निकलते देखा, मगर बाथरूम से निकलने वाला वो व्यक्ति विजय प्रताप सिंह नहीं था, और बाथरूम में उसके मौजूद होने की जो संभावना पहले ही कम थी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। फिर भी चंदन सिंह ने बाथरूम में झांक कर देखा, वो खाली था। उसी पल चंदन सिंह ने बाहर निकलने वाला डिब्बे का एक दरवाजा पूरा खुला देखा। अब तो उसे अपना खून सूखता महसूस हुआ। निश्चित रूप से उसके मालिक के साथ कोई दुर्घटना घट चुकी है, जबकि उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी और ऐसी किसी दुर्घटना की संभावना उसे पहले ही थी। अब उसे इस बात का सख्त अफसोस हो रहा था कि वो मालिक की बात मानकर सो क्यों गया। उसे मालिक की वो बात हरगिज नहीं माननी चाहिए थी। अगर अब अफसोस करने से तो कुछ होने वाला नहीं था, और जरा भी संभावना न होती हुई भी चंदन सिंह ने रेलगाड़ी के उस डिब्बे का कोना कोना छान मारा, मगर विजय प्रताप सिंह डिब्बे में कहीं मौजूद होता तो उसे अवश्य मिलता। उस घड़ी रेलगाड़ी किसी रेलवे जंक्शन के एक प्लेटफॉर्म पर रुक गई। रेलवे जंक्शन पर उस समय काफी चहल पहल थी। चंदन सिंह घबराहट और हड़बड़ी के आलम में गाड़ी से बाहर आ गया। उस समय उसे अपने उस सामान तक की परवाह नहीं थी जो कि उनके कूपे में अभी भी रखा हुआ था। घबराहट और हड़बड़ी के उसी आलम में उसने स्टेशन पर ही एक ऐसी जगह तलाश की जहां से टेलीफोन किया जा सकता था और जहां एसटीडी सुविधा उपलब्ध थी। उसने अपने मालिक
अर्थात विजय प्रताप सिंह के पिता को उनके निवास पर टेलीफोन किया। यदि कोई दूसरी स्थिति होती तो रात को इस समय वो मालिक को डिस्टर्ब करने का साहस नहीं कर सकता था। अभी उसका दिल ये सोचकर बैठा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मालिक घर पर मौजूद ही ना हो, और यदि वो मौजूद हुए तो इसका साहस नहीं जुटा पा रहा था कि किस प्रकार इस हादसे की सूचना उन्हें दे। मगर ये शायद उसका सौभाग्य ही था कि उसे लाइन मिल गई और उसके मालिक तुरंत जाग गए। उधर रिसीवर उस समय मालिक के ही हाथ में था। क्या बात है चंदन सिंह, इस समय टेलीफोन क्यों किया है और कहां से बोल रहे हो? इस समय तो तुम्हें सफर में होना चाहिए था। जी हां मालिक, हम सफर में ही थे, मगर क्या, यही गजब हो गया मालिक। क्या हुआ, क्या गजब हो गया? मैं तो मालिक, चंदन सिंह ने हिम्मत करके कहा, छोटे मालिक की रेख देख में पूरे सफर में जागते रहना चाहता था, मगर उन्होंने ही मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं सो जाऊं, क्योंकि मेरे जागते रहने से उन्हें भी नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए सो गया था। मगर इसमें गजब क्या हो गया, जब मेरी आंख खुली तो छोटे मालिक अपनी वर्थ पर नहीं मिले। क्या, उधर से सिस्कारी सी उभरी, वर्थ पर नहीं मिला तो कहां गया वो? ये तो मैं नहीं समझ पा रहा मालिक, तुम कितनी देर सोते रहे? मुश्किल से 1 घंटा, बल्कि इससे भी कम समय। इस बीच गाड़ी रुकी थी कहीं? बीच में तो गाड़ी का कोई स्टेशन नहीं था जहां वो रुकती हो। माय गॉड, चंदन सिंह को अपने मालिक का चिंता में डूबा स्वर सुनाई दिया। तुम एक काम करो चंदन सिंह। हुक्म कीजिए मालिक। इस समय तुम बोल कहां से रहे हो? चंदन सिंह ने बता दिया। तुम फौरन रेलवे पुलिस के पास पहुंचो, मैं उन्हें फोन करता हूं। तुम उन्हें सारी स्थिति बताओ, मैं स्वयं तुरंत वहां के लिए रवाना हो रहा हूं। बहुत अच्छा मालिक, हमारा सामान भी गाड़ी में ही रह गया है और गाड़ी भी अब तक छूट गई होगी। सामान की चिंता छोड़ो, गाड़ी न भी छूटी हो तब भी सामान के लिए वक्त खराब मत करो। तुम फौरन रेलवे पुलिस के पास पहुंचो, मैं उन्हें फोन कर रहा हूं। बहुत अच्छा मालिक, मैं करता हूं ऐसा ही, कहकर चंदन सिंह ने रिसीवर रख दिया। वो अपने मालिक के हुक्म के अनुसार उस ओर बढ़ गया जिधर रेलवे पुलिस की चौकी थी। रास्ते में कहीं गाड़ी का न रुकना ही सबसे बड़ी चिंता का कारण था। वो ये नहीं जानता था कि गाड़ी एक स्थान पर सिग्नल न मिलने के कारण कुछ देर के लिए रुकी थी। उस समय वो नींद में था, इसलिए वह तथा उसका मालिक सबसे अधिक इसी बात के लिए चिंतित थे कि कहीं विजय प्रताप सिंह किसी हादसे का शिकार ना हो गया हो। विजय प्रताप सिंह की आंख खुली तो एक बार वो चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा कि उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने अपने आप को गहरे अंधकार में डूबे जंगल में पाया। कुछ पल के लिए वो समझ नहीं पाया कि वो कहां और कैसे आ गया। उसी पल उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में पीड़ा का एहसास हुआ। उसने अपने हाथ से सिर के उस हिस्से का स्पर्श किया तो उसे अपनी उंगलियों में चिपचिपाहट सी महसूस हुई। शायद उसके सिर में किसी प्रकार की चोट लगी थी, उसके कारण रक्त निकल आया था। वो अपने मस्तिष्क पर जोर देकर सोचने की कोशिश करने लगा। कुछ पल की कोशिश के बाद ही अपनी पूर्व की स्थिति को याद करने में सफल हो गया। उसे याद आया कि अपने नौकर चंदन सिंह के साथ रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। उसने नौकर को सोने के लिए कहकर स्वयं भी सो गया था। कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई थी और इसके पश्चात उसने अपने आप को अंधेरे में डूबे इस जंगल में पाया। इस बीच क्या हुआ था वो कोशिश करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा था कि उस बात को समझ सके। काफी कोशिश के बाद उसके मस्तिष्क पर सुर्ख जोड़े में लिपटी किसी नारी की आकृति उभर रही थी, मगर इस आकृति का अर्थ वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। मगर सोने से पहले की हर बात उसे अच्छी तरह याद थी। उसे याद था
कि चंदन सिंह उसकी देखरेख के लिए जागते रहना चाहता था। उसने स्वयं ही उसे सो जाने के लिए दबाव डाला था। यदि चंदन सिंह जागता होता तो उसके साथ होने वाले इस हादसे को रोका जा सकता था। अब उसे सबसे बड़ी चिंता इसी बात की हो रही थी कि चंदन सिंह की आंख खुलेगी तो उसके लिए चिंतित हो उठेगा। न जाने वो उसे कहां तलाश करेगा और उसकी तलाश का क्या उपाय करेगा। वो नहीं जानता था कि उस समय वो कहां था, मगर ऐसे सुनसान वो अंधेरे में डूबे जंगल में अपने मौजूद होने की कल्पना से वो मारे भय के एक बार कांप कर रह गया। ऐसे भयानक और अनजान जंगल में वो अकेला था। यहाँ कोई खूंखार जंगली जानवर भी हो सकता था। जंगल से निकलने का न तो वो रास्ता ही जानता था और न ही इस बात की वो जानकारी रखता था कि कहीं आसपास में कोई बस्ती आदि थी जहाँ उसे किसी प्रकार की मदद हासिल हो सके। दिन का समय होता तो दूसरी बात थी, अब रात में वो कहाँ पनाह तलाश करे, क्या रात यहीं गुजारे। ये सवाल उसके मन में उठा तो उस अंधेरे में डूबे जंगल में रात बिताने की कल्पना से वो कांप उठा। फिर क्या करे वो? पहले उसने अपने दिल का डर दूर करने के लिए अपना साहस एकत्र करने की कोशिश की, क्योंकि इस प्रकार डरते रहकर तो वो ठीक से सोचकर कोई निष्कर्ष ही नहीं ले सकता था। फिर वो कुछ पल तक बैठा सोचता रहा। इतना वो अवश्य देख सकता था कि वो पथरीला इलाका था तथा काफी देर तक अंधेरे में रहने के कारण उसकी आंखें जंगल में कहीं कहीं उगे बड़े बड़े वृक्षों तथा झाड़ियों के साये देखने की अभ्यस्त होने लगी थी। बड़े बड़े वृक्ष तो कम थे, मगर उस समय में छोटी छोटी झाड़ियां काफी घनी थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद वो खड़ा हो गया। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे अपने जिस्म में काफी कमजोरी का एहसास हुआ, मगर ये उसके लिए कोई नया अनुभव नहीं था। फिर उसने अपने चारों ओर घूमकर दूर दूर तक देखने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में उसे सफलता हासिल हुई। कुछ दूरी पर उसे कोई दिया सा टिमटिमाता नजर आया। बैठे बैठे वो इसे इसलिए नहीं देख सकता था कि एक तो उस समय उसका चेहरा विपरीत दिशा में था और दूसरे वो पेड़ों के एक झुरमुट की ओट में आ रहा था। ये दिया देकर उसे काफी तसल्ली मिली, क्योंकि उस दिए का मतलब था कि वहां आसपास में कोई बस्ती वगैरह अवश्य थी, मगर उससे कितनी दूरी पर वो दिया टिमटिमा रहा था इसका ठीक से अनुमान लगा पाना उसके लिए संभव नहीं था। मगर वो उस ओर बढ़ने का निश्चय कर चुका था। सिर के पिछले हिस्से में वो अब भी दर्द का एहसास कर रहा था, मगर ये दर्द इतना अधिक नहीं था कि उसके किसी काम में बाधा उत्पन्न कर सके। इसका अनुमान भी वो लगा चुका था कि उसके घाव से रक्त अवश्य निकला था, मगर अब उसका बहना तो रुक गया था और वो जख्म के चारों ओर बालों से चिपक रहा था। मगर इस सब के बावजूद वो वहां और अधिक रुकना नहीं चाहता था। एक बार फिर उसने दिए की दूरी का अनुमान लगाने की असफल कोशिश की और आगे बढ़ गया। कुछ देर तक चलने में उसे कमजोरी का एहसास अवश्य हुआ, मगर धीरे धीरे वो सामान्य हो गया। जंगल का वो उबड़ खाबड़ रास्ता काफी लंबा था, जिसे पार करने में उसे घंटों का समय लग गया और इस रास्ते को पार करते करते वो काफी थकान महसूस करने लगा। उसके सिर में भी हल्का हल्का दर्द होने लगा था, जो शायद उस जख्म के कारण था जो उसके सिर के पिछले हिस्से में लगा था। मगर वो इस बात से काफी संतुष्ट था कि कुछ कठिनाई से ही सही मगर अपनी मंजिल के करीब वो पहुंच सका था। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर उसे एक और रोशनी का दिया नजर आया। अब वो समझ गया था कि जो दिया उसे दूर से दिखाई दिया था वो रेलवे सिग्नल की रोशनी थी और दूसरी रोशनी रेलवे की ही सिग्नल केबिन की खिड़की से आ रही थी।
इसका अर्थ था कि कहीं करीब ही कोई छोटा देहाती रेलवे स्टेशन था। ये सारी बातें उसे काफ़ी तसल्ली और हौसला प्रदान कर रही थी। यही वजह थी कि सिर दर्द और थकान के बावजूद भी उसके कदमों में तेजी आ गई। कुछ पल बाद ही उसे कुछ और रोशनियां नजर आई जो कि निश्चित ही रेलवे स्टेशन की थी और वो अब उससे अधिक दूर नहीं था। हाँ, तो तुमने बताया, उस सब इंस्पेक्टर ने गहरी नजरों से चंदन सिंह की ओर देखा कि तुम्हारे छोटे मालिक को नींद में चलने की बीमारी है और ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी है। हाँ साहब, चंदन सिंह ने स्वीकार किया, मगर पहली घटनाओं में और आज की घटना में फर्क है। क्या फर्क है? पहले कोई इस प्रकार की घटना किसी अजनबी स्थान पर नहीं घटी और घर पर उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। उस हालत में या तो ऐसी घटना से पहले ही पता चल जाता था या फिर घर के आसपास से उन्हें तलाश कर लिया जाता था। फिर वैसी देखरेख आज क्यों नहीं रखी तुमने, जबकि इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी थी? छोटे मालिक ने दबाव देकर मुझे सो जाने के लिए कहा था साहब, और तुम दबाव में आकर सो गए। यूं तो नहीं सो गया साहब, फिर दरअसल मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि सफर में भी इस प्रकार की घटना घट सकती है। क्यों एहसास नहीं था? सफर के दौरान ऐसी कोई घटना क्यों नहीं घट सकती थी? इसका कोई उत्तर चंदन सिंह नहीं दे सका, मगर उसे इस बात का एहसास अवश्य हो रहा था कि वो इंस्पेक्टर बहुत चालाक था। तुम्हारा सफर का सामान कहाँ है? सब इंस्पेक्टर ने उसके उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए अगला सवाल कर दिया। वो तो गाड़ी में ही रह गया। गाड़ी में ही रह गया? क्यों? उस समय मुझे सामान का होश ही नहीं रहा। बाद में मैंने मालिक को बताया भी, मगर उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं सामान के लिए वक्त बर्बाद ना करूं। सामान क्या था? बस यही छोटे मालिक की यात्रा की जरूरत का सामान था। उसमें कोई कीमती सामान भी था? मैंने बताया ना कि यात्रा की जरूरत का ही सामान था। किसी अमीर आदमी के लिए साधारण सी बात होती है और साधारण सामान में पुरुषों के इस्तेमाल के जेवर भी होते हैं, मसलन गले की चैन, उंगलियों की अंगूठियां, जिनकी कीमत कभी कभी लाखों में होती है। मगर अमीर आदमियों के लिए ये मामूली सी ही चीजें होती है। मगर आप सामान के बारे में इस प्रकार की छानबीन करके वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं साहब? छोटे मालिक को तलाश करने के उपाय क्यों नहीं करते? वही तो कर रहे हैं। सामान के बारे में सवाल करने का उनकी तलाश से क्या संबंध हो सकता है साहब? गहरा संबंध है। कैसे है गहरा संबंध? बताता हूं कैसे है गहरा संबंध, सब इंस्पेक्टर ने कहा तथा अपनी नजरों से चंदन सिंह के चेहरे पर गड़ा दी। इस तरह का एक ऐसा केस पहले भी मेरे पास आ चुका है, बिल्कुल ऐसा ही केस। फर्क सिर्फ इतना है कि वह आदमी किसी नींद में चलने की बीमारी का शिकार नहीं हुआ था। वो भी अपने नौकर के साथ ही रेल में सफर कर रहा था। उसके गायब होने की सूचना भी उसके नौकर ने ही मुझे दी थी। फिर वो भी बौखलाहट में सामान उतारना भूल गया था। उस सामान में भी मालिक की हैसियत से कोई कीमती सामान नहीं था, मगर फिर भी वो लाखों की कीमत का सामान था। उसमें क्या हुआ? सारा मामला उसी से हुआ। कैसे? उसने उस आदमी की तलाश करवाई। जल्दी ही हमें उस आदमी की लाश मिली। लाश? चंदन सिंह का संपूर्ण वजूद एक बार कांप कर आ गया। उसके मस्तिष्क में एक बार खतरनाक कल्पना उभर कर आ गया। हाँ, लाश, सब इंस्पेक्टर ने कहा, सरसरी नजर से लगा भी यही, और मेरे अफसरों तक का भी यही विचार था कि ये एक दुर्घटना ही थी। मगर मैं इस विचार को नहीं मान सका। बाद में इसकी जांच की गई और जानते हो उस जांच का क्या परिणाम निकला? चंदन सिंह के चेहरे पर प्रश्न सूचक भाव उभरे। उस आदमी को चलती गाड़ी से धक्का दिया गया था उसी कीमती सामान के लिए, जो कि बाद में उसी नौकर से बरामद कर लिया गया, और सारी बात बाद में नौकर ने स्वयं स्वीकार भी की।
आप कहना क्या चाहते हैं साहब? चंदन सिंह के स्वर में कंपन था। मैं जो कहना चाहता हूं। इंस्पेक्टर के नेत्रों में अर्थपूर्ण भाव भर रहे थे। ओ तुम समझ रहे हो, मैं कुछ नहीं समझ रहा। यदि उस आदमी को भी नींद में चलने की कोई बीमारी रही होती तब शायद मैं भी उसे दुर्घटना ही मानकर किसी जांच का विचार न करता। उस हालत में तो वो किसी तरह जिंदा भी रहता, तभी शायद नौकर की कारगुजारी उसे याद ही ना रहती और वो स्वयं भी यही समझता कि उसके साथ दुर्घटना ही घटी थी। आप चंदन सिंह के स्वर में उत्तेजना थी। मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं साहब, क्या नहीं हो सकता ऐसा? हरगिज नहीं हो सकता, चंदन सिंह ने सख्त स्वर में कहा। और मेरे मालिक के सामने इस प्रकार के किसी अपने नामुराद विचार का जिक्र ना करना साहब। क्यों भला? मैं गरीब आदमी हूं, इसलिए आपने जो कुछ कहा मैंने सुन भी लिया और सहन भी कर लिया। मगर मेरे मालिक इस प्रकार की बात न तो सुन सकते हैं और न ही सहन कर सकते हैं। अरे तुम तो धमका भी रहे हो मुझे। मेरा क्या मजाल है साहब कि, चंदन सिंह ने कहा, आपको धमका सकूं, मगर इस प्रकार की बात मेरे मालिक के सामने उठी तो वो नौकर जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, वो भी मालिक का इतना ही वफादार और इतना ही नमक हलाल था, मगर लाखों का सामान देकर उसकी वफादारी डगमगा गई। कुछ कहने के लिए चंदन सिंह ने अभी मुंह खोला ही था कि उसी समय एक कांस्टेबल ने अंदर कदम रखा और चंदन सिंह ने अपनी बात कहने का इरादा उस समय मुलतवी कर दिया। सर, सैल्यूट के साथ वो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की ओर संबोधित हुआ। यहाँ पहुँचने से लगभग एक घंटा पहले गाड़ी एक जगह सिग्नल न मिलने के कारण कुछ देर के लिए रुकी थी। कहाँ? कांस्टेबल ने बता दिया। सब इंस्पेक्टर ने चंदन सिंह की ओर देखा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गाड़ी खोज में रुकी थी, तुम्हारी गाड़ी बीच में रुकी थी? मुझे नहीं पता, चंदन सिंह ने कहा, मगर इस सूचना से उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव अवश्य उभरे थे। उस समय मैं सो रहा हो सकता था। खैर, यदि तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि गाड़ी एक जगह रुकी थी, मगर ये बाद की बात है। अभी तुम्हें यहीं रुकना होगा, तुम कहीं जा नहीं सकते जब तक कि हमारी तलाश पूरी ना हो जाती। मगर मैं छोटे मालिक की तलाश में आपके साथ रहना चाहता हूं, तुम यहीं रहोगे? मैं आपके साथ ही तो रहूंगा, भाग तो नहीं रहा मैं। भागने कौन देगा तुम्हें? फिर मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर साहब, बहस करने के बजाय भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे मालिक के साथ कोई दुर्घटना ना घटी हो और वो हमें सलामत मिल जाए, क्योंकि तुम्हारी सलामती का और कोई दूसरा रास्ता खो ही नहीं सकता। कहते हुए सब इंस्पेक्टर ने वहां मौजूद कांस्टेबल को कोई संकेत किया तथा उठकर बाहर आ गया। चंदन सिंह की बेचैनी की उससे जरा भी परवाह नहीं की थी। विजय प्रताप सिंह ने उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। उसके ठीक सामने स्टेशन का बोर्ड लगा था। एक तो अंधेरा था और दूसरे बोर्ड पर कीचड़ लगा था, इसलिए स्टेशन का नाम पढ़ पाना संभव नहीं था। कुछ कदम के फासले पर ही स्टेशन की छोटी सी इमारत थी। वहां रोशनी के लिए बल्ब जल रहे थे। विजय प्रताप सिंह उस ओर ही बढ़ गया। अब वो कम से कम इस बात के लिए जरूर आश्वस्त था कि वो किसी निर्जन स्थान पर नहीं था। वो इमारत के बरामदे में पहुंचा। स्टेशन मास्टर के कमरे का दरवाजा कुछ कदम के फासले पर ही था। बरामदे में ही वहां रुकने वाली गाड़ियों का टाइम टेबल लगा था। वो जिस गाड़ी में सफर कर रहा था उसका यहाँ रुकने का प्रश्न नहीं उठता था। ये बात टाइम टेबल से भी जाहिर हो रही थी, इसलिए उसे इस बात का आश्चर्य अभी तक हो रहा था कि वो गाड़ी से कैसे उतर आया। चलती गाड़ी से तो वो कूदा नहीं हो सकता था। यदि उसने ऐसा किया होता तो उसकी मौजूदा हालत ये नहीं हो सकती थी। इस प्रकार तो वो जिंदा ही ना होता।
यदि जिंदा भी होता तो अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में तो खारिज नहीं हो सकता था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एकदम सही सलामत था, सिवा सिर के पिछले हिस्से में लगी उस चोट के, जो कि बहुत मामूली थी और उसका कारण कोई दूसरा हो सकता था। उसने सरसरी नजरों से एक बार टाइम टेबल को देखा। ये देखकर उसे निराशा हुई कि सुबह तक वहां से कहीं भी जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। स्टेशन के आसपास कहीं किसी बस्ती के भी कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था कि यहां से यातायात का कोई दूसरा साधन भी उसे उपलब्ध हो सकता था या नहीं। इसकी कोई जानकारी स्टेशन मास्टर को हो सकती थी, वो उस ओर ही बढ़ गया। उसने स्टेशन मास्टर के कमरे में कदम रखा। स्टेशन मास्टर अधेड़ उम्र का और भारी जिस्म वाला आदमी था। विजय प्रताप सिंह पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में प्रश्नसूचक भाव उभरे। देखिए, मैं, उसने गाड़ी का नाम बताते हुए कहा, मैं सफर कर रहा था और आपका नाम विजय प्रताप सिंह है। स्टेशन मास्टर ने उसका वाक्य पूरा होने से पूर्व ही कहा, है ना? है तो, मगर, विजय प्रताप सिंह की आंखों में हैरत के भाव उभरे। मगर क्या, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बैठिए, बताता हूं कि मैं आपका नाम कैसे जानता हूं। स्टेशन मास्टर ने मुस्कुराते हुए अपने सामने पड़ी कुर्सी की ओर संकेत किया। विजय प्रताप सिंह ने अपने आप को उस कुर्सी पर स्थापित किया, मगर हैरत के भाव उसकी आंखों में अभी तक मौजूद थे। तो आपको, विजय प्रताप सिंह के बैठने के पास साथ स्टेशन मास्टर ने कहा। इस बार उसका स्वर सहानुभूतिपूर्ण था। नींद में चलने की बीमारी है जी? विजय प्रताप सिंह की आंखें हैरत से और भी अधिक चौड़ी हो गई थी। आप ये सब कैसे जानते हैं? ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, स्टेशन मास्टर ने मुस्कुराते हुए बताया। दरअसल आपके साथ यात्रा कर रहे आपके किसी साथी को आंख खोली तो आपको गायब पाया। अगले स्टेशन पर उतरकर उसने फौरन रेलवे पुलिस को अपनी सूचना दी। पुलिस आपकी तलाश बड़ी सरगर्मी से कर रही है। मेरे पास खास तौर से इसलिए सूचना दी गई है कि यहाँ सिग्नल न मिलने के कारण गाड़ी आउटर पर कुछ देर के लिए रुकी थी, इसलिए यहीं कहीं आपके होने की संभावना सबसे अधिक थी। मैंने लाइन के आसपास आपको तलाश करवाया भी था, मगर आप कहीं दिखाई नहीं दिए। ओह, अब वो सारा रहस्य विजय प्रताप सिंह की समझ में आ चुका था कि वो किस प्रकार गाड़ी से उतरने में कामयाब हो सका था। ये अच्छा ही हुआ कि आप स्वयं ही चले आए। मैं पुलिस को आपकी सूचना भिजवा देता हूँ, वो लोग आपको ले जाने की कोई व्यवस्था करेंगे। तब तक आप यहीं आराम कीजिए। वैसे यहाँ वेटिंग रूम वगैरह तो है नहीं, मगर मेरे आराम करने के लिए बराबर वाला कमरा है। आप तब तक वहाँ आराम कीजिए, आपके लिए चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम भी किया जा सकता है। उसकी जरूरत नहीं है, विजय प्रताप सिंह ने कहा। जरूरत है, उसने किसी को पुकारा। बाबूलाल, आया साहब, बाहर से स्वर सुनाई दिया। उस घड़ी स्टेशन मास्टर की नजर विजय प्रताप सिंह की कमीज की कॉलर पर लगे खून के छींटे पर पड़ी। अरे, आपको चोट भी लगी है? नहीं, नहीं तो, मगर इस बीच वो स्वयं आकर विजय प्रताप सिंह के सिर के पिछले हिस्से में हुए जख्म को देख चुका था। चोट तो लगी है, मामूली सी है, इतनी मामूली भी नहीं, काफी खून निकला है, बालों से चिपक रहा है, उतना नहीं निकला, मगर इस पर तो ड्रेसिंग की तुरंत आवश्यकता है और यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। रहने दीजिए, ड्रेसिंग में जाकर करा लूँगा। उसी समय चतुर्थ श्रेणी के एक रेलवे कर्मचारी ने अंदर कदम रखा। आपने मुझे बुलाया साहब?
मगर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात अनसुनी करते हुए विजय प्रताप से पूछा, आप स्कूटर चलाने की स्थिति में तो है? जी। तब आप ऐसा कीजिए, कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, बाबूलाल आपके साथ चला जाएगा, वहां पर इसका इंतजाम है, मेरा बेटा बड़ी अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये चोट मामूली है। जरूरत ही तो है, तभी तो कह रहा हूं, आपकी फैमिली को बेकार में कष्ट होगा। कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, आप मेरे बेटे से मिलेंगे तो इसका एहसास तक नहीं होगा कि आपके कारण मेरी फैमिली को किसी प्रकार का कष्ट हुआ है। उसे दोस्त बनाने का बड़ा शौक है, इस वर्ष वो बीए फाइनल कर रहा है, आपसे मिलकर वो बेहद प्रसन्न होगा। विजय प्रताप सिंह और विरोध नहीं कर सका। इसके पश्चात स्टेशन मास्टर ने उस रेलवे कर्मचारी की ओर देखा जो हैरत से विजय प्रताप सिंह की ओर ही देख रहा था। बाबूलाल जी साहब, मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए बुलवाया था, स्टेशन मास्टर ने कहा, मगर अब चाय की बजाय तुम साहब को घर तक पहुंचाओ। और हाँ, तुमने पहचाना इन्हें? साहब ये तो वही हैं जिनकी तलाश तुम लाइन पर बहुत दूर दूर तक कराए थे। तुम्हारी तलाश का कोई नतीजा नहीं निकल सका था, मगर ये स्वयं ही यहां पहुंच गए। बाबूलाल ने हाथ जोड़कर विजय प्रताप सिंह का अभिवादन किया। विजय प्रताप सिंह बाबूलाल के अभिवादन के साथ स्टेशन मास्टर के बारे में ही सोच रहा था। क्षणिक सी मुलाकात में ही उसने महसूस किया कि वो एक नेक ओ मिलनसार व्यक्ति था। स्टेशन मास्टर ने चाबी उठाकर विजय प्रताप की ओर बढ़ा दी। अब आप चलकर आराम कीजिए, स्टेशन मास्टर ने कहा, मैं पुलिस को सूचित करता हूं कि आप मेरे पास सुरक्षित हैं, मेरा नौकर वहां होगा। विजय प्रताप सिंह ने कहा, वो मेरे लिए बहुत परेशान होगा, यदि उसे संपर्क हो सके तो। निश्चिंत रहिए आप, अब वो परेशान नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हुए विजय प्रताप सिंह उठ गया। दीपक राठी वास्तव में बहुत अच्छा युवक था। बाबूलाल नाम के उस रेलवे कर्मचारी ने विजय प्रताप सिंह के बारे में उसे बता दिया था और उसी समय से उपचार में जुट गया। उसने बड़ी दक्षता के साथ उसके जख्म के आसपास से सिर के बाल काटकर इस प्रकार ड्रेसिंग की जैसे कोई दक्ष डॉक्टर हो। और दीपक राठी जब तक उसकी ड्रेसिंग करके फारिग हुआ तब तक दोनों के बीच में गहरी मित्रता हो चुकी थी। चाय के बाद भी वो कुछ देर तक विजय प्रताप सिंह से बातें करता रहा। वो पूरी रात बात करता रह सकता था, मगर विजय प्रताप सिंह के आराम का ख्याल रखते हुए वो उठ गया। सुबह भी वो जल्दी ही उठ गया। विजय प्रताप सिंह भी रात में ठीक से न सोने के बावजूद अपेक्षाकृत जल्दी ही उठ गया था। तब तक दीपक राठी के पापा भी घर आ गए। सुबह उठते ही विजय प्रताप सिंह ने घर जाने की इच्छा जाहिर की। उसके लिए वो किसी वाहन के बारे में स्टेशन मास्टर से पूछ रहा था। मैंने तभी पुलिस को सूचना दे दी थी, स्टेशन मास्टर ने बताया। उन्होंने कहा है कि आप उनके आने तक यहीं ठहरे। कब तक आएंगे वे लोग? सदा आपके डैडी का इंतजार कर रहे हैं। डैडी का? हाँ, पुलिस वाले ने ही मुझे बताया था कि आपके नौकर ने रात में ही आपके साथ हुए हादसे के बारे में आपके डैडी को फोन द्वारा सूचित कर दिया था। वो उसी समय रवाना हो चुके थे। अब आपके बारे में पुलिस वालों को तो पता चल ही गया, इसीलिए आपकी तलाश करने के बजाय वे आपके डैडी का इंतजार कर रहे हैं। अब पता तो आपका चल ही गया है, दीपक ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अब तो आप दो चार दिन यहीं ठहरिए, मेरी भी छुट्टियां है आजकल, खूब मजा रहेगा। पापा कैसा रहेगा? भाई अच्छा रहेगा। तो फिर कहिए ना आप इनसे। भाई मैं क्या कहूं, तुम्हारे बीच का मामला है, तुम लोग स्वयं ही बात करो। क्यों विजय साहब? दीपक राठी ने विजय प्रताप सिंह की ओर देखा। विचार तो बहुत अच्छा है दीपक, मेरा मन भी
खूब लग रहा है, मगर फिर मगर की क्या बात है, इस समय ये संभव नहीं हो सकता, मगर फिर कभी जल्दी ही ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा, तब कई दिन साथ रहेंगे, मगर अब संभव क्यों नहीं, मैं कुछ है कुछ घरेलू कारण, विजय प्रताप सिंह ने कहा तो दीपक राठी के चेहरे पर मायूसी के भाव उसे साफ नजर आए। दीपक राठी के पापा उन दोनों को बातें करते छोड़कर उस समय चले गए थे, मगर इस मामूली से समय में विजय प्रताप सिंह उन दोनों से इतना अपनापन महसूस कर रहा था जैसे वर्षों से परिचित हो, और ऐसा अपनापन उसे कहीं नहीं मिला था। कितने अच्छे लोग थे वे, किसी अजनबी के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार करना आज के स्वार्थी युग में एक दुर्लभ चीज ही हो सकती थी। 10 बजे विजय प्रताप सिंह के डैडी, उसका नौकर चंदन सिंह और पुलिस के एक दो अधिकारी भी वहां पहुंच गए। दीपक राठी के काफी आग्रह करने पर उन लोगों को वहां आधा घंटा रुकने पर मजबूर होना पड़ा। इस आधे घंटे में दीपक ने उन लोगों की बेहद खातिर की। अंत में बेहद भावनापूर्ण वातावरण में वे लोग विदा हुए। विदा के समय दीपक राठी ने विजय प्रताप सिंह से कहा, आपने दोबारा आने का वादा किया है विजय साहब, ये वादा आपको याद तो रहेगा ना? याद क्यों नहीं रहेगा, मगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पहले तुम ही हमारे यहाँ हो? तो ये भी सकता है, फिर क्या बात है? है एक बात, क्या? ये कि मैं आपके पहुंचूं और आप पहचान ना सके। क्यों? विजय प्रताप सिंह ने उसकी ओर देखा, ऐसा क्यों हो? आप बड़े आदमी हैं, एक साधारण आदमी के लिए आप, किसने कहा कि मैं बड़ा आदमी हूं? कहा किसी ने नहीं, मगर ये सच तो है। विजय प्रताप सिंह ने शिकायती नजरों से दीपक राठी की ओर देखा। दीपक, कहिए, तुम में और तुम्हारे परिवार ने जो अपनापन, जो प्यार और स्नेह मुझे दिया है, उसे तो मैं जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता, और इस अपनेपन का महत्व वही आदमी समझ सकता है जिसके जीवन में इसका नितांत अभाव हो, मगर चलते समय जो दुख तुमने मुझे पहुंचाया है वो भी भूला नहीं जा सकता। दुख? दीपक राठी ने हैरत से उसकी ओर देखा। यदि मेरे किसी व्यवहार से आपको दुख पहुंचा है तो वास्तव में ये अफसोस की बात है, मगर ऐसी कौन सी भूल मुझसे हुई ये मैं समझ नहीं पा रहा। भूल तुम्हारे ये शब्द है, कौन से शब्द? तुम बहुत नेक और अच्छे इंसान हो दीपक, मगर ये जानकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है कि दोस्ती के बीच में तुम छोटापन और बड़ापन देखते हो। ओह, तुम शायद ये समझते हो कि दोस्ती का जज्बा केवल तुम्हारे अंदर ही है, कोई दूसरा तुम्हारे विचार से उसे नहीं निभा सकता। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात का अर्थ तो यही हुआ ना। मैं नहीं समझता था कि मेरी बात को आप इस अर्थ में लेंगे, मेरे कहने का ये अर्थ हरगिज नहीं था, फिर भी आपको मेरी बात पर कष्ट हुआ, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्त। क्या मुझे क्षमा मांगने का अधिकार है? एक शर्त पर, कहिए। फिर कभी इस प्रकार की बात होठों पर तो क्या दिल में भी नहीं लाओगे? कान पकड़ता हूं, कभी नहीं लाऊंगा। विजय प्रताप सिंह मुस्कुराया। वैसे तुम्हारे कहे बिना ही मैं जानता था कि तुम्हारा अर्थ ये नहीं था, हो ही नहीं सकता था। इसके पश्चात विजय प्रताप सिंह ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अच्छा दोस्त, अब चलना होगा। दीपक राठी ने उसका हाथ थाम लिया, मगर विजय प्रताप सिंह ने महसूस किया कि दीपक राठी का चेहरा बुझ सा गया था, जैसे वो अपने किसी प्रियजन से बिछुड़ रहा हो। अब आओ भाई विजय, विजय के डैडी का स्वर सुनाई दिया, देर हो रही है। विजय प्रताप सिंह ने दूसरे हाथ से उसका कंधा थपथपाया और विजय राठी ने बड़े बेमन से उसका हाथ छोड़ दिया। चंदन सिंह अपने मालिक चेतन प्रताप सिंह के विशाल और भव्य कक्ष में दाखिल हुआ। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर मालिक का अभिवादन किया। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ चंदन सिंह, क्या हुक्म है मेरे लिए? इस बीच मुझे वक्त नहीं मिल पाया चंदन सिंह,
चेतन प्रताप सिंह ने अपने प्रभावशाली स्वर में कहा, मैं तुम्हारी इस यात्रा के बारे में जानना चाहता हूँ। इस यात्रा का ख्याल आते ही मेरा दिल कांफ उठता है माली। इसी यात्रा के कारण तो मेरी जिंदगी भर की वफादारी खाक में मिल गई। ये तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि उसने छोटे माली की रक्षा की, वरना मैं तो जीते जी मर गया होता। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा माली कि उस रात मैंने छोटे माली की बात क्यों मानी। वास्तव में मेरी समझ में ये बात अब आ रही है कि उस समय मेरी वफादारी इस बात में नहीं थी कि मैं उनकी बात मानता, बल्कि इस बात में थी कि मैं उनका हुक्म टाल देता और वो मैं कर नहीं सका, जिसका गम मुझे हमेशा रहेगा। ये सब छोड़ो चंदन सिंह, उस समय जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मगर जो कुछ हुआ मालिक, हुआ तो मेरी उपस्थिति में ही। मेरे लिए इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? पुलिस वाले भी मेरे ऊपर कैसे कैसे घिनौने इल्जाम लगा रहे थे। पुलिस की बात छोड़ो चंदन सिंह, पुलिस का अपना एक खास नजरिया होता है और वो हर चीज को अपने ही नजरिए से देखती है। उसके लिए उचित भी वही होता है। मगर मैं जानता हूं कि तुम हमारे कितने वफादार और नमक हलाल हो, इस परिवार की कितनी सेवा तुमने की है। हमारे परिवार में तुम्हारे बारे में इस प्रकार की बात सोची भी नहीं जा सकती, इसलिए उन बातों के लिए सोचने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ये तो आपकी महानता है मालिक जो आप ऐसा समझते हैं, वरना मैं तो इसी परिवार के टुकड़ों पर पलने वाला एक मामूली सा सेवक ही हूं। अब छोड़ो इस बात को, चेतन प्रताप सिंह ने कहा, अब ये बताओ कि विजय के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया है। जैसा कि डॉक्टर के बारे में बताया गया था मालिक, वैसी कोई विशेष बात तो उन डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, वही जो दूसरे डॉक्टर अब तक बताते रहे हैं, बस दवाइयाँ लिख दी है और छोटे मालिक के लिए कहा है कि वे ठीक अवश्य हो जाएंगे, मगर हमें उनकी देखरेख रखनी होगी। कुछ दवाइयाँ उन्होंने छोटे मालिक को अपने क्लिनिक में भी खिलाई थी, मगर नतीजा क्या निकला? जो हो रहा था वो फिर भी हो गया। ऐसी बात नहीं है चंदन सिंह, चेतन प्रताप सिंह ने कहा, दरअसल डॉक्टरों के पास बीमारी का इलाज ही होता है, कोई जादू की पुड़िया नहीं होती। और बीमारी का इलाज तो होते होते ही होता है ना, उसमें तो टाइम लगता है। यदि डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है तो हमें विश्वास करना चाहिए। एक बात और है मालिक, जो डॉक्टर साहब ने कही है वो अभी तक किसी डॉक्टर ने नहीं कही। क्या? चेतन प्रताप सिंह ने उत्सुकता से चंदन सिंह की ओर देखा। ये कि छोटे मालिक की शादी कर दी जाए। शादी? हाँ मालिक, मैंने पूछा भी था डॉक्टर साहब से कि बीमारी का शादी से क्या वास्ता है। फिर क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि वास्ता है, बल्कि इलाज से अधिक शादी जरूरी है। शादी के बाद वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तब तो, चंदन सिंह ने उत्साहित स्वर में कहा, छोटे मालिक की शादी हो ही जानी चाहिए मालिक। तुम ठीक कहते हो चंदन सिंह, चेतन प्रताप सिंह ने एक गहरी सांस ली, मगर वो माने तब ना। मानेंगे क्यों नहीं मालिक? आप कहेंगे तो मानेंगे क्यों नहीं? वैसे भी शादी की उम्र तो कभी की हो चुकी है छोटे मालिक की। मैं जानता हूं चंदन सिंह, डॉक्टर के कहे बिना ही मैंने उसे कई बार इस सिलसिले में बात करनी चाहिए, मगर वो इस विषय में कोई बात करने को तैयार ही नहीं होता। उसकी माँ होती तो शायद शादी का महत्व उसे अधिक बेहतर ढंग से समझा सकती थी। उस तरह मैं तो उसे नहीं समझा सकता ना। कामिनी भी उसे इस मामले में समझाने की कोशिश कर सकती थी, मगर उसके लिए तो उसके दिल में खटास है जिसे वो नहीं निकाल पाता। कामिनी के बारे में उसे बड़ी गलतफहमी रहती है, उसे तो बात तक करना नहीं चाहता, जबकि वो ऐसी नहीं है। यदि वो उससे उस तरह से बात करे तो शायद उसे गलतफहमी रहे ही नहीं, मगर उसके मन में तो कामिनी के प्रति एक ऐसी बात घर कर गई है जिसे वो निकाल ही नहीं सकता। कामिनी का नाम सुनकर
चंदन सिंह के दिल में भी एक बार नफरत का सैलाब सा उमड़ा, मगर इस प्रकार का कोई भाव उसने अपनी आंखों या चेहरे पर नहीं उभारने दिया। ये उसकी गलतफहमी है ना, चेतन प्रताप सिंह ने पूछा। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ माली, उसके दिल में क्या है ये मैं कैसे जान सकता हूँ। हाँ तुम कैसे जान सकते हो, मगर तुम एक काम क्यों नहीं करते, हुक्म कीजिए माली, तुम स्वयं क्यों नहीं शादी के विषय में विजय से बात करते। मैं, हाँ तुम स्वयं उससे बात करके देखो। ये कैसे हो सकता है माली, क्यों क्यों नहीं हो सकता, मैं इस घर का मामूली सा नौकर हूँ माली, ये छोटे माली का निजी मामला है, ऐसे नाजुक मामले में उनसे मेरा बात करना मेरी औकात बहुत बड़ी बात है मालिक, मेरे औकात से बहुत बड़ी बात है। इस घर में तुम अपनी औकात को कम करके क्यों आंकते हो चंदन सिंह, और फिर विजय तो तुम्हें बहुत मानता है, वो तुम्हें घर के ही आदमी की तरह सम्मान देता है, वो सब तो, चंदन सिंह ने कहा, आप लोगों की महानता है मालिक, मगर इस महानता का ये अर्थ नहीं कि मैं अपनी औकात को ही भूल जाऊं। तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए चंदन सिंह, फिर भी कोशिश करना, शायद विजय तुम्हारी कोई बात समझ सके। आपका हुक्म है तो मैं कोशिश अवश्य करूंगा मालिक, मगर, चंदन सिंह आगे भी कुछ कहना चाहता था मगर उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव भर आए। क्या बात है चंदन सिंह, तुम कुछ कहते कहते रुक क्यों गए। ऐसी कोई खास बात नहीं है मालिक, मगर कोई बात है तो अवश्य, जो बात तुम्हारे मन में हो बेहिचक कह डालो, पता नहीं वो बात आपको पसंद भी आएगी या नहीं, तुम कहो तो सही। मैं छोटे माली की बीमारी के बारे में ही कुछ कहना चाहता था माली, फिर इसमें क्या हिचक हो सकती है, कहो क्या कहना चाहते हो। मेरा विचार है माली की, छोटे माली को वो वैसी वैसी बीमारी नहीं है जैसा कि डॉक्टर बताते हैं। फिर, चेतन प्रताप सिंह ने प्रश्न सूचक नेत्रों से चंदन सिंह की ओर देखा, उन्हें किसी, चंदन सिंह ने हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर की दवा की नहीं बल्कि ऊपरी हवा का सताव हो सकता है मालिक। ऊपरी हवा, चेतन प्रताप सिंह ने अनिश्चित भाव से उसकी ओर देखा। हाँ मालिक, मगर ये ऊपरी हवा होती क्या है, ऊपरी हवा या कहिए किसी प्रेत बाधा का प्रकोप हो सकता है, और इसका इलाज न तो डॉक्टर लोग कर सकते हैं और न ही वे इसे मानते हैं, क्योंकि ये सब प्रेत आत्मा का साया के कारण होता है। चेतन प्रताप सिंह मुस्कुराए, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं चंदन सिंह, उस जमाने की बातें हैं जब लोगों में शिक्षा का अभाव था, मेडिकल साइंस उतनी तरक्की नहीं कर सकी थी, उस समय लाइलाज रोगों के बारे में लोगों की इस प्रकार की धारणाएं बन गई थी, मगर वास्तव में इन बातों का न कभी उस समय कोई अस्तित्व था और न ही आज है। मैं पहले ही जानता था माली कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, मगर डॉक्टरी इलाज के साथ साथ किसी ओझा का इलाज कराने में हर्जी क्या है, शायद कोई लाभ हो सके, सवाल ही नहीं उठता। इन तांत्रिकों और ओझाओं के पास वास्तव में कुछ नहीं है, ये लोग भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर धन ऐंठते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। ठीक है माली, चंदन सिंह ने कहा, मगर उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट था कि वो जरा भी संतुष्ट नहीं था। अब तुम जाओ चंदन सिंह, चेतन प्रताप सिंह ने कहा, मगर विजय से उसकी शादी के सिलसिले में समझाने की कोशिश अवश्य करना। जो आ गया माली, चंदन सिंह ने सिर झुकाते हुए कहा और मालिक के कक्ष से बाहर निकल आया। बातचीत के दौरान विजय प्रताप सिंह की माँ का जिक्र चला था तो चंदन सिंह को उसकी याद आ गई थी। वो औरत क्या थी, साक्षात किसी देवी का अवतार थी। चंदन सिंह को इस परिवार में नौकर होते हुए भी जो सम्मान मिला था इसका कारण भी वही थी। वही क्या, घर के किसी भी नौकर को उसने नौकर नहीं समझा था, सभी को वो परिवार का सदस्य ही समझती थी, और स्वयं चंदन सिंह को तो इस परिवार में विशेष दर्जा हासिल था। और एक
कामिनी थी। इस औरत के बारे में तो सोच कर ही उसके दिल में कड़वाहट घुलती चली गई। और एक वो आदमी था जो दूर के रिश्ते का कामिनी का भाई था। इन दोनों के कारण ही चंदन सिंह को एहसास होता था कि इस परिवार का सदस्य नहीं बल्कि उसका दर्जा महज एक नौकर का ही था। इन दोनों के प्रति उसके दिल में नफरत ही नफरत भरी थी, मगर वो इस नफरत का इजहार नहीं कर सकता था क्योंकि अब उसे एहसास था कि वो इस घर का महज एक नौकर था और नौकर को इस बात का कोई अधिकार नहीं हो सकता था कि वो घर के मालिकों से नफरत करे। दरवाजे को एक विशेष अंदाज में खटखटाया गया तो कामिनी तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठ गई। इस घड़ी वो गुलाबी रंग की पारदर्शी नाइटी पहने हुए थी जिसमें कि उसका दूधिया जिस्म साफ नुमाया हो रहा था। अपने जिस्म के निचले हिस्से में वो एक अंडरवियर ओ उन्नत सीने पर उसी रंग की कसी हुई ब्रा पहने हुई थी जो कि उस पारदर्शी नाइटे में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसके सिवा तो उसके शेष जिस्म पर नाइटी का होना न होना बराबर ही था। वो कोई 24 साल की भरे हुए जिस्म की मालिक थी। रूफ वो एवन में तो उस स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देने वाली थी। ये उसके रूफ का ही जादू था कि चेतन प्रताप सिंह जैसा बूढ़ा आदमी भी उसके रूफ के जाल में फंसने से अपने आप को रोक नहीं सका था और एक जवान बेटे के बाप होते हुए भी उसे शादी रचा बैठने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। वास्तव में कामिनी का रूप वैसा ही था जो कि ऋषि मुनियों का भी ईमान खराब कर देने की क्षमता रखता था। फिर चेतन प्रताप सिंह की तो विसात ही क्या थी, वो तो एक साधारण सा आदमी था। एक बार उसकी मुलाकात कामिनी से हुई तो बस उसी की ओर खींचता चला गया। कुछ दिन तक तो वो कामिनी के यौवन का रसपान करता रहा, मगर जल्दी ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि इस प्रकार वो इस रूप की रानी को दौलत के बल पर हासिल तो करता रह सकता था मगर उस पर पूरी तरह अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। और यदि कामिनी किसी कारण से उसे छोड़कर किसी दूसरे के पहलू में जा घुसे तो उसे रोक नहीं सकेगा, मगर ऐसा होना सहन करना उनके लिए चेतन प्रताप सिंह के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वो चाहता था कि वो ऐसा उपाय करे ताकि उस पर केवल और केवल उसी का अधिकार हो। इसका एक ही उपाय हो सकता था और वो था शादी। और चेतन प्रताप सिंह जमाने की सारी बातों की परवाह ना करते हुए ये जानते हुए भी कि वो एक जवान बेटे का बाप है और जो स्वयं शादी योग्य हो रहा है, कामिनी से शादी का प्रस्ताव कर ही बैठा। और इस प्रस्ताव को कामिनी ने मामूली सी हिचकिचाहट के साथ स्वीकार कर लिया, मगर इसका अंतिम फैसला करने से पहले उसने एक बार चेतन प्रताप सिंह को शीतल चोपड़ा से बात करने के लिए कहा। कामिनी ने बताया था कि शीतल चोपड़ा दूर के रिश्ते का उसका भाई था और वहीं एकमात्र जीवित रिश्तेदार था। उसके सिवा उसका अपना इस संसार में कोई नहीं था। चेतन प्रताप सिंह ने एक बार शंका जाहिर की कि कहीं वो इस रिश्ते से इनकार न कर दे, मगर कामिनी ने उसे आश्वस्त करते हुए बताया कि वो महज एक औपचारिकता थी। शीतल चोपड़ा उसे बहुत मानता था, इसलिए इस विषय में उससे न पूछा जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, मगर उसे पता चलेगा कि कामिनी की स्वयं की मर्जी भी इसमें शामिल है तो उसका इनकार करने का प्रश्न नहीं उठता। और वही हुआ भी। शीतल चोपड़ा ने न सिर्फ ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया बल्कि लड़की वालों की ओर की सारी जिम्मेदारियां भी उसने स्वयं ही संभाल ली। मगर इस शादी में किसी प्रकार की धूमधाम से चेतन प्रताप सिंह ने परहेज ही रखा। कोर्ट में चुपचाप जाकर दोनों ने शादी कर ली और शादी का प्रमाण पत्र भी अदालत से हासिल कर लिया। इस प्रकार कामिनी उस घर की दुल्हन बनकर आ गई, उस आदमी के दुल्हन बनकर जिसके घर में उस समय उसके बेटे की दुल्हन को आना चाहिए था। चेतन प्रताप सिंह
ओकामनी की उम्र में उस समय जमीन आसमान का फर्क था, मगर इस बात की परवाह दोनों में से किसी को भी नहीं थी। घर में इस शादी का विरोध किसी ने नहीं किया, विरोध करने वाला था भी कौन? एक विजय प्रताप सिंह ही था, मगर बाप की किसी भी खुशी में अरोड़ा बनने वाला नहीं था। मगर चेतन प्रताप सिंह ने एक बात महसूस की कि घर में इसके लिए किसी ने गर्मजोशी नहीं दिखाई, घर के नौकर चाकर भी इसे उदासीन ही नजर आए। विजय प्रताप सिंह ने भी कामनी को चेतन प्रताप सिंह की पत्नी के रूप में तो स्वीकार कर लिया, मगर उसे माँ के रूप में कभी स्वीकार न किया। ये स्वाभाविक भी था, इसलिए चेतन प्रताप सिंह ने इसकी कोई परवाह नहीं की। उसे इस बात का भी अफसोस नहीं था कि उसने जो कदम उठाया है उसे उचित नहीं कहा जा सकता, मगर वो कामनी के रूप का जादू ही था कि चेतन प्रताप सिंह ने ऐसी किसी बात की परवाह नहीं की। कामनी ने इस घर में अपने आप को इस घर की मालकिन के रूप में स्थापित करना आरंभ कर दिया। घर के सभी नौकरों को घर के ही सदस्यों की तरह जो दर्जा चेतन प्रताप सिंह की स्वर्गीय पत्नी ने दिया था और जो अब तक चला आ रहा था, कामनी ने उसे पसंद नहीं किया। वो यही चाहती थी कि नौकर अपने आप को नौकर समझकर ही इस घर में रहे और उन्हें इस बात का एहसास हर समय होना चाहिए। उसने नौकरों के साथ वैसा ही सलूक आरंभ किया। एकाध नौकर ने उसकी इस सलूक का विरोध किया तो उसे निकाल दिया गया और ये दूसरों के लिए भी सबक सिद्ध हुआ। लिहाजा बाकी नौकरों को अपनी औकात का एहसास हो गया और ये बात उनकी समझ में आ गई कि नई मालकिन के होते हुए पुरानी बात नहीं चल सकती, इसलिए उन्हें अपने आप को बदलना होगा या फिर इस घर को छोड़ना होगा। मगर वो हर प्रकार की कोशिश करने पर भी विजय प्रताप सिंह के दिल में अपने लिए वो स्थान नहीं बना सकी जो कि वो चाहती थी। विजय प्रताप सिंह भी अपने दिल में उसके प्रति सम्मान की वो भावना पैदा नहीं कर सका जो स्थान उसके दिल में उसकी माँ के लिए था, वो किसी दूसरी औरत के लिए नहीं हो सकता था। विशेषकर नौकरों के प्रति उसके व्यवहार के कारण तो विजय प्रताप सिंह के दिल में उसके प्रति खटास और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मगर इसके बावजूद भी विजय प्रताप सिंह ने उसके किसी काम का विरोध नहीं किया। उसके प्रति उसके दिल में जो खटास थी उसे अपने व्यवहार से उसने कभी जाहिर भी नहीं होने दिया। मगर चेतन प्रताप सिंह के दिल में कामनी अपने आप को अंदर तक उतारने में पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। ये वही कामनी थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसकी आंखों में अनिश्चय के भाव पैदा हुए। उसने एक बार दरवाजे की ओर देखा, फिर बिस्तर से उठकर पैरों में स्लीपर पहने तथा कुल्हे मटकाती हुई दरवाजे की ओर बढ़ गई। उस घड़ी उसके जिस्म की प्रत्येक हरकत बड़ी जानलेवा साबित हो रही थी। उसी घड़ी दरवाजे के एन सामने शीतल चोपड़ा का चेहरा प्रकट हुआ। उसके होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कुराहट थी। शीतल चोपड़ा ने स्वयं ही अपने जूते की एड़ी से दरवाजे का पल्ला ढकेल दिया, जो कि खटाक की एक हल्की सी आवाज से स्प्रिंग लॉक की मदद से बंद हो गया। तुम, कामनी ने कहा। क्या बात है रानी, उसने अपने विशिष्ट अंदाज में कहा। लगता है मेरे आने से तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्या बुराई की आकर? ये मुझे बताना है? कोई बुराई वाली बात है? ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा रानी। तुम जानते हो कि ये मेरा बेडरूम है। क्यों नहीं जानता, तभी तो आया हूं। ऐसा करके तुम समझते हो कि ठीक किया तुमने? मेरे विचार से तो मैंने ठीक ही किया है रानी। रूप और यौवन से सर्वोर कोई जानलेवा हुस्न इस समय बेडरूम में हो और उसके यौवन का कोई पुजारी उसके पहलू में ना हो तो उसके हुस्न का अपमान ही नहीं है क्या? इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर परिणाम क्या होगा? तुम्हारा वो लंगूर चेतन प्रताप तो आज रात यहां मौजूद है ही नहीं, फिर पता क्या चलेगा?
तुम समझते हो कि उसके अलावा कोठी में और कोई भी मौजूद नहीं है? बूढ़े के बाद और कौन है कोठी में? शीतल चोपड़ा ने कहा। नौकर चाकर उन पर तो आते ही तुम इस कदर हावी हो गई कि किसी की क्या हिम्मत है कि तुम्हारे बेडरूम की ओर आना तो दूर की बात है, आंख उठाकर देख भी सके। विजय भी तो है, ओ बूढ़े का लाडला बेटा। हाँ, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? उसे तो अपना भी होश नहीं है, यही हाल रहा तो बहुत जल्दी ही वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। मगर बूढ़े की तरह उस पागल को भी तुमने शीशे में उतारना था। उतारना तो था मगर उतरे तब ना। तुम्हारा ये हाहाकारी लावा, कहकर चोपड़ा धूर्तता से मुस्कुराया, किस दिन काम आएगा? उसके ऊपर ये तीर नहीं चल सकता। क्यों, नामर्द है क्या? क्या पता उसकी क्या बिसात है, शीतल चोपड़ा ने कहा। तुम्हारे जादू से तो उसका बाप नहीं बच सका और उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। उसके दो कारण हो सकते हैं। कौन से दो कारण? या तो निश्चित रूप से वो नामर्द है, या फिर, उसने अर्थपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा, तुमने कोई कोशिश ही नहीं की उस पर जादू चलाने की। कि तुमने कोशिश? मैंने कोशिश ही नहीं की। क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ऐसा अनुमान मैंने उसे देखकर ही लगा लिया, कामनी ने कहा। ऐसी कोई कोशिश इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो खेल जो हम खेलना चाहते हैं वो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो सकती है। तब तो नामर्द ही है, कैसे कह सकते हो? तुमने भले ही कोई कोशिश न की हो, यदि उसमें मर्दांगनी का कोई भी कीटाणु जीवित होता तो ऐसी कोशिश उसने स्वयं ही करनी थी। तुम तो सबको अपने जैसा ही समझते हो ना। कैसा हूं मैं? उसने शरारत से मुस्कुराकर कामनी की आंखों में झांकते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि कैसे हो तुम? इस उत्तर के बदले में शीतल चोपड़ा ने बांझ की तरह झपट कर कामनी के जिस्म को अपनी बाहों में दबोच लिया। फिर उसके विरोध के बावजूद भी अपनी होठ कामनी के होठों पर रख दिया। कामनी कुछ पल तक उसकी बाहों में छटपटाती रही। तुम्हारी ये हरकतें, शीतल चोपड़ा ने उसे अपने बंधन से मुक्त किया तो कामनी ने कहा, एक दिन हम दोनों का बेड़ा गरक करके ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा रानी, हम तो दूसरों का बेड़ा गरक करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा कोई क्या बेड़ा गरक करेगा? तुम्हारी ये हरकतें, ये बात छोड़ो रानी, उसने कहा, मुझे कुछ बातें भी करनी है, बैठो। कहकर वो उसी बिस्तर पर बड़ी बेतकल्फी के साथ बैठ गया जिस पर कामनी कुछ देर पहले लेटी हुई थी। कामनी ने एक बार उसकी ओर देखा, आकर बैठो ना, खड़ी क्यों हो? कामनी कुछ कदम आगे बढ़कर उससे कुछ फासले पर बैठ गई। क्या बात है रानी, तुम तो ऐसे व्यवहार करने लगी हो जैसे हम अछूत हो गए हैं, कहते हुए शीतल चोपड़ा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। क्या बातें करनी है? वहीं, शीतल चोपड़ा ने कहा, लगता है इस कोठी के नवाबी वातावरण के मौज में तुम इस प्रकार खोकर आ गई कि हमें भूल ही गई, बल्कि अपने उद्देश्य को ही भूल गई। कैसे कह सकते हो कि भूल गई? भूल ना गई होती तो क्या अब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? इसके सिवा मैं कर भी क्या सकती हूं? कुछ तो करना ही था, बताओ तो सही क्या करना था? बूढ़े का इंतजाम करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही था। बूढ़े का इंतजाम मुझे करना था, और किसे करना था? बूढ़े की नकेल तो तुम्हारे ही हाथ में है, उस समय तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। उस समय मुझे क्या पता था कि बूढ़ा इतना सख्त जान साबित होगा? दिल का मरीज तो है ही, उसकी रही सही ताकत तुम्हारा ये एवन खींच लेगा, और बूढ़ा साला 6 महीने में ही टे बोल जाएगा। मगर 2 वर्ष होने को आए बूढ़ा मरने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके विपरीत तुम्हारा एवन जो उसके लिए जहर का काम कर सकता था, उसके लिए टॉनिक साबित हो रहा है। अब तो पहले से भी अधिक स्वस्थ दिखाई पड़ता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं? करना तो तुम्ही को है। अब 10-5 साल तक तो बूढ़े की मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता। तुम तो ये चाहते हो कि मैं बूढ़े को जहर दे दूं?
इसमें बुराई वाली ही क्या बात है, बुराई तो कोई खास नहीं। कामनी ने व्यंग से उसकी ओर देखा, सिवाय इसके कि बूढ़े को जहर देकर मैं स्वयं फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊं। क्या जरूरी है कि ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा, कोठी के नौकर चाकर तो पहले ही मेरे ऊपर खार खाए रहते हैं। ऐसी किसी स्थिति में तो उनकी बन आएगी, वे मेरे विरुद्ध इतना जहर उगलेंगे कि मैं पचा नहीं सकूंगी उसे। क्यों नहीं होगा, कोठी के नौकर चाकर तो पहले ही मेरे ऊपर खार खाए रहते हैं। ऐसी किसी स्थिति में तो उनकी बन आएगी, वे मेरे विरुद्ध इतना जहर उगलेंगे कि मैं पचा ही नहीं सकूंगी उसे। ऐसा कुछ नहीं होगा रानी, तब मेरे लिए ये भी संभव नहीं हो सकता कि बूढ़े की मौत के लिए उसे जहर दे दूं और स्वयं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊं। जब मैं स्वयं ही नहीं रहूंगी तो खेल ही मेरे किस काम का होगा। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए रिस्क तो लेना ही होता है रानी, मगर दिमाग से काम लिया जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है। क्या काम लूं दिमाग से, ये काम तो मुझे करना होगा रानी, क्योंकि दिमाग से काम लेना तो मेरा ही काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें तो मेरी बनाई गई स्कीम पर बस काम करना होगा। क्या है तुम्हारी स्कीम? अभी बन नहीं पाई है स्कीम, मगर बहुत जल्दी बन जाएगी। पहले कुछ बूढ़े के उस लाडले बेटे की सुनाओ। क्या सुना है, उसके इलाज के लिए किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास बंबई भेजा गया था। भेजा तो गया था, कुछ पता चला कि आखिर क्या कहा डॉक्टर ने? वही कामनी ने बताया जो दूसरे डॉक्टर अब तक कहते आए हैं, वो ठीक हो जाएगा, जो कि कभी ठीक नहीं होगा। क्या पता, पता है मुझे उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली, बल्कि एक दिन वो पागल हो जाएगा। अच्छा रहे यदि ऐसा हो जाए, बंबई से लौटते समय उसके साथ एक दुर्घटना भी होते होते बची है। कैसे? कामनी ने वो सारी बात बताई जो कि ट्रेन के सफर के दौरान उसके साथ घटी थी। इस घटना के बारे में सुनकर एक बार शीतल चोपड़ा की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। एक बात बताऊं, कामनी ने कहा, वो भी बताओ, यदि तुमने चेतन प्रताप का इंतजाम करने की कोई स्कीम बना भी डाली और वो सफल भी हो ही गई, तब भी हमारी सारी बाधाएं दूर नहीं हो जाती। फिर क्या बाधा रह जाएगी? विजय उससे भी बड़ी बाधा साबित होगी, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूं। और वो चंदन सिंह नाम का नौकर, जो अपने आप को इस घर का नौकर नहीं मालिक समझता है, उसके साथ पूरी वफादारी निभाएगा। नौकर का क्या है, चेतन प्रताप से उसकी कोई झूठी सच्ची कहानी गढ़कर सुना दो, उस नौकरी से ही निकाल बाहर करेगा? नहीं करेगा। क्यों? उसका बहुत मुंह लगा है और मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहती। इस प्रकार उस मेरे ऊपर ही शक करने लग सकता है और इस प्रकार का रिस्क लेना मैं अफोर्ड करना नहीं चाहती। न सही, मगर एक नौकर के कारण इतना चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है। एक नौकर हमारे किसी काम में रुकावट नहीं बन सकता, मगर विजय तो बन सकता है। वो मुझे सबसे खतरनाक प्राणी नजर आता है, चेतन प्रताप से भी अधिक। बेकार में डरती हो उससे, वो तो बहुत जल्दी पागल हो जाएगा, और न हुआ तो ऐसी ही किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, जैसे कि ट्रेन के सफर के दौरान पहले भी घट चुकी है। क्या जरूरी है कि ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा घटे ही, और घटे भी तो उसका शिकार हो ही जाए? जरूरी तो नहीं है, मगर उसने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से कामनी की ओर देखा, जरूरी बनाया तो जा सकता है। यानी तुम? कामनी ने हैरत से उसकी ओर देखा, उसे भी रास्ते से हटाने की सोच रहे हो? जरूरत पड़ी तब, और वैसे मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी। एक बार उस बूढ़े चेतन प्रताप का इंतजाम हो जाए तो बाकी की बाधाएं खुद पे खुद हटती चली जाएगी। बड़े खतरनाक आदमी हो तू, कमाल है। इतने दिन मैं ये बात आज तुम्हारी समझ में आई है,
मेरा नाम शीतल चोपड़ा है और शीतल चोपड़ा का काटा पानी भी नहीं मांगता। मैं ऐसी किसी बाधा को बर्दाश्त नहीं करता जो मुझे अपने रास्ते में नजर आती है। ये बात है, इतना तो तुम स्वयं भी जानती ही हो मेरे बारे में। जानती तो हूं, तभी तो सोच रही हूं। क्या सोच रही हो? ये कि कामनी ने अजीब सी नजरों से शीतल चोपड़ा की ओर देखा। ये सारी बाधाएं दूर होने के बाद कहीं मैं स्वयं भी तुम्हें बाधा नजर ना आने लगूं। क्या कह रही हो रानी? क्या मैं तुम्हें इतना कमीना नजर आता हूं? तुम उससे भी कहीं बड़े कमीने हो जितने की मुझे नजर आते हो। ये भी खूब कही तुमने, तारीफ का शुक्रिया। मैं वाकई इतना ही कमीना हूं, बल्कि इससे भी बढ़कर। मगर तुम तो वो जहरीली नागिन हो कि तुम्हारे ऊपर किसी जहर का भी असर हो ही नहीं सकता। उल्टे एक बार तुम जिसे डस लो वो दूसरी सांस लेने के काबिल ही रहे ही नहीं। मैंने ठीक कहा ना? कहा तो ठीक ही है तुमने, मगर क्या? देखना यह है कि तुम कब तक ये बात याद रख सकते हो, क्योंकि जिस दिन तुम ये भूल गए उस दिन समझो तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करोगे। इस बार कामनी का स्वर इतना ठंडा था जैसे ये स्वर किसी औरत का ना होकर वास्तव में किसी जहरीली नागिन की फुफकार हो। कैसे भूल सकता हूं रानी? मेरी क्या मौत आई है जो इसे भूल जाऊंगा? वैसे भी तुम्हारे बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्यों? मेरे में ऐसी क्या खास बात है? खास बात? शीतल चोपड़ा ने अर्थपूर्ण अंदाज में कामनी की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में उपासना के भाव उभरने लगे। उसके और करीब खिसक आया। मैं तो वैसे ही तुम्हारे इस रूप का दीवाना हूं रानी, तुम्हारे बिना तो जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये सब इसलिए तो करता हूं कि एक दिन तुम्हें सचमुच की रानी बना दूं। मैं तो तुम्हारे रूप का पुजारी हूं, तुम दौलत के पुजारी हो। ठीक कहा तुमने, मगर तुम्हारे इन मद भरे होठों की दौलत से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत हो ही नहीं सकती। उसे तो मैं हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूं। इस दौलत की कीमत तो मैं अपनी जान देकर भी चुका सकता हूं। कहते कहते उसकी बाहें एक बार फिर कामनी के गिर्द चिपट गई। फिर वही शरारत, कामनी ने कहा। यह सिलसिला कुछ पल तक चला, अब जाओ। इसके अंत में कामनी ने कहा, और जाकर सो जाओ, मुझे भी आराम करने दो। क्या कहा? जाकर सो जाऊं? और नहीं तो क्या, प्यासा ही सो जाऊं? इंतजार करो। कब तक? जब तक ये खेल पूरा नहीं हो जाता। खेल तो चलता रहेगा, जब तक ये खेल पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी दूसरे खेल की गुंजाइश नहीं है। ये कैसे हो सकता है रानी, कुएं के इतना करीब आकर प्यासा ही वापस लौट जाऊं? तुम्हारा ये पागलपन एक दिन हम दोनों को लेकर डूब सकता है। कैसे डूब सकता है? तुम्हें बेरोक टोक इस कोठी में आने की इजाजत इसलिए है कि बूढ़ा समझता है तुम मेरे दूर के रिश्ते के भाई हो। मगर तुम्हारी इसी प्रकार की हरकतें जारी रही और बूढ़े को इस पर जरा भी संदेह हुआ तो मेरा तो जो होगा सो होगा ही। हो सकता है वो मेरे साथ रहमदिली से भी पेश आए, मगर उस हालत में तुम्हारा तो भगवान ही मालिक होगा। तुम उसे इतना नहीं जान सकते जितना मैं समझती हूं। बूढ़ा बहुत खतरनाक है, इसके अंदर खानदानी असर अभी तक बरकरार है। उसे शक हो ही नहीं सकता रानी, कैसे हो सकता है? वो इस बात का कोई प्रमाण नहीं हासिल कर सकता कि मैं तुम्हारा दूर के रिश्ते का भाई नहीं हूं। इसके लिए उसे तुम्हारी पैदाइश का पता लगाना होगा, जिसके कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसे बस एक बार शक होना चाहिए, उसके बाद वो कोई प्रमाण हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यदि उसे प्रमाण हासिल करना भी होगा तो तुमसे ही हासिल कर लेगा। छोड़ो रानी, बार बार बूढ़े से खौफ ज्यादा करके तुम मेरा सारा मूड खराब करने की कोशिश कर रही हो। मैं इस प्रकार खौफ ज्यादा होने वाला नहीं।
तो तुम बाज नहीं आने वाले। तुम स्वयं जानती हो कि मैं इससे बाज आने वाला नहीं। वैसे तुम्हें स्वयं भी तो मेरी जरूरत पड़ती है, उस बूढ़े से तो तुम्हारी जरूरत क्या पूरी होती होगी। मगर मैं तुम्हारी तरह बेसब्र नहीं। चलो, तुमने मेरी जरूरत स्वीकार तो की। कहते हुए शीतल चोपड़ा ने जेब से कीमती विस्की का एक अद्धा निकाला। फिर उसने अद्धे का कार्क हटाया जो कि लगभग एक पैक के बराबर खाली था और उसे मुंह से लगा लिया। फिर गटागट करके बहुत सारी विस्की उसने गले में उतार दी। अधा मुंह से हटाकर उसने कामनी की ओर देखा। तुम भी ले लो एक दो घूंट, मजा आ जाएगा। तुम जानते हो मैं इस प्रकार नीट नहीं पी सकती। जानता हूं तुम तमीज से पीती हो, मगर इसमें क्या दिक्कत है। तुम्हारे लिए पैक बना देता हूं, पानी सोडा सब कुछ तुम्हारे बेडरूम में ही तो मौजूद है। मुझे नहीं लेनी। क्यों? बस नहीं लेनी। तुम्हारे अंदर बस यही एक कमी है रानी, कि तुम नखरे बहुत करती हो, शीतल चोपड़ा ने कहा, जिसका कि कामनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शीतल चोपड़ा ने अधा बेड के पास ही रखी तिपाई पर रखा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। फिर शर्ट उतार कर उसने बेड पर उछाल दी। उसकी इतनी ही देर में अपना असर दिखाने लगी थी। उसकी आंखों में वासना के भाव गहरे हो गए। वासना का तूफान अब शायद अपनी सारी सीमाएं तोड़ देने के लिए बेताब हो रहा था। मालवीय गार्डन शहर के प्रेमी जोड़ों के लिए आदर्श जगह थी। पूरे गार्डन में जगह जगह फूलों की झाड़ियों के झुरमुट इस प्रकार बने हुए थे कि प्रेमी जोड़ों के लिए खुले आसमान के नीचे भी वे एकांत प्रदान करते थे। ऐसे ही एक झुरमुट के पीछे दिव्या शेखावत और विजय प्रताप दिन दुनिया से बेखबर एक दूसरे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वे खुले आसमान के नीचे थे और कोई उन्हें ऐसी स्थिति में देख भी सकता था। मगर वहां किसे फुर्सत थी कि किसी को देखने की, हर कोई अपने आप में खोया हुआ था। गार्डन का पूरा वातावरण सुगंधित फूलों से महकता रहता था और इसी सुगंध के कारण वातावरण और भी अधिक रोमांटिक हो उठता था, विशेषकर शाम के समय, जबकि रंग बिरंगी फूलों के बीच रंग बिरंगी पोशाक पहने प्रेमी युगल गार्डन की फुलवाड़ी का ही हिस्सा नजर आते थे। उस घड़ी दिव्या शेखावत ने भावावेश में भर कर विजय प्रताप सिंह के जिस्म को इस प्रकार जकड़ा हुआ था जैसे इसी में समाकर उसी का एक हिस्सा बन जाना चाहती हो। उसकी बाहें विजय प्रताप सिंह की कमर में लिपटी थी। उसके सीने का उभार विजय प्रताप सिंह के सीने पर दबाव डाल रहा था तथा उसकी सांसों की गर्माहट विजय प्रताप सिंह की कनपटियों से टकरा रही थी। अपना बायां गाल उसने विजय प्रताप सिंह के दाहिने गाल से हटा रखा था। यूं तो दिव्या शेखावत जब भी उससे मिलती थी तब इसी प्रकार उत्सुक हुआ करती थी, मगर आज वो हमेशा से कुछ अधिक ही उत्सुक, कुछ अधिक ही भावुक हो रही थी। विजय प्रताप सिंह को वो इस प्रकार जकड़े हुए थी जैसे उसे डर हो कि विजय प्रताप सिंह को कोई उससे छीन कर ले जाएगा, और ऐसा वो हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। मगर इसके विपरीत विजय प्रताप सिंह के व्यवहार में उतनी गर्मी नजर नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर उदासीनता के भाव ही नुमाया हो रहे थे। दिव्या शेखावत के प्यार की इस गर्माहट के बजाय उसकी निस्तेज आंखें कुछ और ही सोचती नजर आ रही थी। कई पल तक दिव्या शेखावत उसे उसी स्थिति में जकड़े रही। अंत में उसके बंधन ढीले हुए। उसने अपना चेहरा उठाकर विजय प्रताप सिंह की निस्तेज आंखों में झांका। विजय, उसने बुदबुदाकर कहा, हाँ, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्यों? विजय प्रताप सिंह ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। क्या हुआ है मुझे? हर समय बुझे बुझे से नजर आते हो। मुझे तो लगता है
कि मेरे करीब होते हुए भी तुम मुझसे दूर दूर रहते हो। विजय प्रताप सिंह ने इसका तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। बोलो विजय, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं दिव्या, ये तुम क्या कर रही हो? तुम स्वयं जानती हो कि तुम मुझे दुनिया की हर चीज से अच्छी लगती हो, मगर तुम्हारे व्यवहार में वो गर्मजोशी क्यों नहीं होती जो पहले हुआ करती थी? उत्तर में विजय प्रताप सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक बार फिर सोचपूर्ण भाव उभरे। बोलो विजय, दिव्या ने कहा, मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? चुप क्यों हो? विजय प्रताप सिंह के चेहरे पर इस प्रकार की हिचकिचाहट उभर रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर इसका फैसला न कर पा रहा हो कि अपनी बात किस प्रकार आरंभ करे। तुम्हारी ये चुप्पी, दिव्या शेखावत ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, अब मुझसे सहा नहीं होते विजय। हम किस प्रकार एक दूसरे के करीब आए? विजय प्रताप सिंह ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया और फिर देखते ही देखते इतना करीब आ गए जैसे हमारा ये साथ केवल इसी जन्म का न होकर जन्म जन्मांतर का हो, हमारा ये साथ युगो युगो से चला आ रहा हो और युगो युगो तक यूं ही हम एक दूसरे के लिए पैदा होते रहेंगे। और ये सब किस प्रकार हो गया इसका एहसास हमें नहीं हो सका, मगर मगर क्या, अब मुझे लगने लगा है कि यह हमारी बल्कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी। भूल? हाँ दिव्या, मगर भूल कैसी? मुझे तुम्हारे इतना करीब नहीं आना चाहिए था कि हमारे बीच किसी संभावित दूरी की कल्पना ही मौत की कल्पना जैसी हो, मगर मैं ऐसी कल्पना करे ही क्यों? विजय प्रताप सिंह के चेहरे पर गंभीरता और भी गहरा गई जैसे आगे वो जो कुछ कहना चाहता हो उसके लिए वो साहस न जुटा पा रहा हो। बोलो विजय, दिव्या ने अत्यंत उत्सुक स्वर में कहा, तुम चुप क्यों हो गए? मुझे अपनी इस भूल पर बहुत अफसोस हो रहा है दिव्या। ये भूल कैसी है? क्या तुम मुझे इस योग्य नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार कर सकूं? नहीं नहीं दिव्या, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। तुम मेरे लिए क्या हो? मेरे दिल में तुम कितनी गहराई तक उतर चुकी हो इसकी तो तुम शायद कल्पना भी नहीं कर सकती। फिर तुम इसे भूल क्यों कह रहे थे? क्योंकि भूल ही तो थी मेरी। ये तुम क्या पहेलियां से बुझा रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा था दिव्या कि किस्मत ने हमारे साथ एक कैसा क्रूर मजाक किया है। वो क्यों हमें इतना करीब ले आई और फिर क्यों? विजय प्रताप सिंह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो आज, और बात को इतना रहस्यमय बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? या फिर मुझे तड़पाने के लिए ये कोई मजाक है तुम्हारा? ये मजाक नहीं है दिव्या, बल्कि ये हकीकत है, और ये हकीकत बहुत कड़वी है। अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो विजय, साफ साफ और सीधे शब्द में कहो क्या कहना चाहते हो? सच्चाई ये है दिव्या कि, विजय पल भर के लिए हिचकिचाया, हमारा आज का ये मिलन हमारा अंतिम मिलन है। क्या क्या कह रहे हो तू? दिव्या ने लरजते स्वर में कहा। ओ हक्की बक्की सी विजय की ओर देख रही थी। हकीकत यही है दिव्या। ये कैसी हकीकत है? दिव्या ने रो देने वाले अंदाज में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम्हारे ये शब्द मेरी जान ले लेंगे। मैं जानता हूं दिव्या कि एक दूसरे से बिछड़ने की कल्पना भी हमारे लिए मौत की कल्पना से भी अधिक भयंकर है, मगर हकीकत से आखिर तब तक कब तक मुंह छिपाया जा सकता है? उसे तो एक दिन सामने आना ही होगा, मगर तुम बताते क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण तुम्हें ऐसे शब्द मुंह से निकालने पड़ रहे हैं जो मेरी जान ले ले, मेरी जान लेने पर तुले हो? नया कुछ नहीं है दिव्या, विजय ने कहा। स्थिति आज भी वही है जो पहले थी, मगर प्यार के पागलपन में मैं उसे समझ ही नहीं सका था, और हमारे प्यार का वही पागलपन है जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है।
देखो विजय, जो कहना है साफ साफ कहो। अब भी यदि अपने शब्दों को रहस्यमय बनाने की कोशिश करोगे तो मैं रो दूंगी। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण तुम इस तरह सोचने पर मजबूर हो रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ विजय। ये तुम्हारी भूल नहीं है दिव्या, तुम कोई भूल कर ही नहीं सकती। फिर भूल मैंने की है दिव्या, विजय ने कहा, और मेरी इस भूल का दंड हम दोनों को भुगतना पड़ेगा, जिंदगी भर भुगतना होगा। मगर तुम बताते क्यों नहीं कि भूल आखिर क्या है? तुम जानती हो दिव्या कि मैं एक खतरनाक बीमारी का शिकार हूं। मेरी इस बीमारी का कोई इलाज संभव हो सकता है? इस पर अब मुझे विश्वास नहीं। मैं कभी ठीक नहीं हो सकता और मुझे कोई अधिकार नहीं होता कि अपने साथ तुम्हारी जिंदगी को भी मैं नरक बना दूं, तुम्हें घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दूं। ऐसी कौन सी बीमारी है तुम्हें? मेरी बीमारी तुमसे छिपी नहीं है दिव्या, तुम जानती हो कि मुझे क्या बीमारी है। तुम्हें कोई बीमारी है ये तो मुझे आज तक भी पता नहीं है। पता तो तुम्हें है दिव्या, मगर, विजय प्रताप सिंह ने कहा, प्यार के पागलपन में तुम इस हकीकत से मुंह छिपाने की कोशिश कर रही हो, जैसी कोशिश मैं स्वयं आज तक करता आ रहा हूं। बीमारी तो तुम्हें कोई नहीं है, यदि है भी तो कम से कम मेरी नजर में नहीं है। मगर तुमने ऐसी कल्पना ही क्यों की विजय? ये कल्पना नहीं है दिव्या। क्यों कल्पना नहीं है? तुम जानती हो दिव्या कि मैं नींद में उठकर कब कैसे और कहां चल देता हूं। ये होश में आने पर मुझे स्वयं भी याद नहीं रहता। ऐसे में मेरे कदम कहां पहुंच जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या पता मेरा कोई कदम किसी गहरे कुएं में पड़े और मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में गुम होकर आ जाए। संभव है मेरी लाश तक को भी तलाश न किया जा सके और किसी गुमनामी के अंधेरे में मेरा लाश यूं ही पड़ा रहे। नहीं, दिव्या का स्वर कांप गया, बल्कि उसका पूरा वजूद ही कांप कर आ गया। नहीं विजय, नहीं। क्या पता मेरा कदम सड़क पर पड़े और दूसरी ओर से तेज गति से आता कोई वाहन मेरे वजूद को कुचलता हुआ निकल जाए। ऐसा मत कहो विजय, दिव्या रो पड़ी। यही तो हकीकत है दिव्या, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ समझना नहीं चाहती, प्लीज ऐसे शब्द मुंह से मत निकालो। हकीकत को स्वीकार करना ही होता है दिव्या, उससे बचकर कोई कहीं नहीं जा सकता। हकीकत किसी पर रहम नहीं कर सकती, उसका मुकाबला करने के लिए अपने दिल को कठोर करना होता है दिव्या, और तुम अपना दिल कठोर बना चुके हो। बनाना ही होगा दिव्या, यदि मैं ऐसा ना कर सका तो हमारा ये पवित्र प्यार एक दिन कलंकित हो जाएगा। लोग कहेंगे कि मैं स्वार्थी था, जो कि सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया, तुम्हें घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता दिव्या, हमारे प्यार में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, मगर हमारा प्यार कभी नहीं मर सकता, वो हमेशा जिंदा रहेगा, जन्म जन्मांतर तक जिंदा रहेगा दिव्या। बस इतनी सी बात तो है कि हम इस जन्म में नहीं मिल सकते, हम फिर जन्म लेंगे दिव्या। उस समय शायद इस प्रकार की बाधा हमारे रास्ते में नहीं होगी, शायद फिर कोई बाधा हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगी। विजय, हाँ दिव्या, हमारा प्यार पवित्र है, वो विशाल है, उसे किसी प्रकार की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, मगर उसमें स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। तुम ठीक कह रहे हो विजय, दिव्या ने कहा, हमारे प्यार में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, मगर तुम जो कह रहे हो उसमें तुम्हारा स्वार्थ ही तो बोल रहा है, हमारा नहीं, हमारे प्यार का नहीं, बल्कि केवल तुम्हारा स्वार्थ। ये क्या कह रही हो दिव्या? वही जो हकीकत है। कैसी हकीकत? ऐसे करके तुम अपने प्यार को बदनाम होने से नहीं बचा रहे, बल्कि स्वयं अपने आप को बदनाम होने से बचा रहे हो। तुम्हें केवल इस बात का डर है कि लोग तुम्हें ये ना कहे कि तुम स्वार्थी थे।
तुमने जानबूझकर ये किया। दिव्या, बोलो, ऐसा करके क्या तुम केवल अपनी श्रेष्ठता, अपनी महानता सिद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहे? तुमने ये नहीं सोचा कि उस स्थिति में मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा? क्या उसे मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा? विजय हक्का बक्का सा दिव्या की ओर देखता रह गया। उससे जैसे कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। जवाब दो विजय, दिव्या ने कहा, तुम केवल मुझे ही स्वार्थी सिद्ध करने पर नहीं तुले हुए हो। क्या तुम ये सिद्ध करने की कोशिश नहीं कर रहे कि मैं उस स्थिति में तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गई, जबकि तुम्हें मेरी और अधिक जरूरत थी? मेरा ये मतलब नहीं था दिव्या। मतलब तुम्हारा कुछ भी हो, मगर इसका अर्थ तो यही होता है ना। विजय से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था इसका। तुम्हारा ऐसा सोचना कतई उचित नहीं हो सकता विजय। प्यार का अर्थ ये नहीं जो तुम सोच रहे हो। प्यार, हमारा प्यार एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा एक हो जाने के लिए है। हम जी रहे हैं तो साथ साथ, साथ लेंगे, सांस लेंगे तो साथ साथ, और यदि मौत को हमारी जिंदगी स्वीकार नहीं होगी तो उसे हमें एक साथ अपने आगोश में लेना होगा। मौत हमारी जिंदगी तो छीन सकती है, मगर वो हमें जुदा नहीं कर सकती। हम मरकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती विजय। कहते कहते दिव्या का स्वर अत्यंत भावुक हो उठा था। हम मर तो सकते हैं, हमारे जिस्म समाप्त हो सकते हैं, मगर हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। जन्म जन्मांतर तक हमारा प्यार जिंदा रहेगा विजय, जिंदा रहेगा। विजय फटी फटी नजरों से उसकी ओर देख रहा था। वह तो इस बात का पक्का निश्चय कर चुका था कि अपने साथ दिव्या की जिंदगी को तबाह नहीं होने देगा। उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा और दिव्या को भी इसके लिए राजी कर लेगा कि उसे भूलकर अपनी जिंदगी के लिए कोई अलग रास्ता चुन ले। मगर अब उसे लग रहा था जैसे उसने परिस्थिति को केवल अपने ही ढंग से सोचा था, जबकि दिव्या उसे अपने ढंग से सोच रही थी। और जिस प्रकार भी वो सोच रही थी, उसकी बात को काटने के लिए उसके पास जैसे कोई तर्क नहीं था। तर्कहीन होकर वो निरुत्तर हो गया था। हालांकि वो अभी यही सोच रहा था कि उसने जो निश्चय किया था वो गलत नहीं था। दिव्या की भलाई के लिए उसने बिल्कुल सही सोचा था, मगर अब उसे सही करने के लिए उसके पास कोई तर्क था और न ही वो इस विषय पर आगे कुछ कहने के लिए साहस कर पा रहा था। विजय, कुछ पल की चुप्पी के बाद दिव्या ने बहुत ही धीमे स्वर में पुकारा। विजय ने अपना चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा, मगर उसके होंठ नहीं हिले। आज एक वादा तुम्हें करना होगा। वादा? कैसा वादा? आज के बाद, दिव्या ने कहा, फिर कभी मुझसे अलग होने की बात जुबान पर नहीं लाओगे, बल्कि ऐसा सोचोगे भी नहीं। मगर दिव्या, मैं जानती हूं तुम क्या कहोगे। विजय ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुमने जो कुछ कहा, जो कुछ तुम सोच रहे थे, वो मेरी भलाई के लिए ही था, मेरी जिंदगी के भविष्य के लिए ही था, यही ना? दिव्या ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए कहा। विजय ने सहमति में गर्दन झुका ली। मगर बहुत गलत सोचा तुमने, बहुत गलत समझा, और ये शायद उस प्यार की चरम सीमा ही है जो मेरे लिए तुम्हारे दिल में है, कि तुम सही ढंग से सोच भी ना सके। दिव्या, हाँ विजय, तुम यहां मेरे लिए जिंदगी तलाश कर रहे हो, वो दरअसल मौत है मेरी। तुमसे बिछड़कर, तुमसे अलग होकर जीने से तो मेरी हजार मौत अच्छा। ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? वही कह रही हूं जो कि सच है विजय। तुमसे जुदा होकर जिंदगी की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कोई कल्पना मेरी मौत की कल्पना होगी। यदि हमारी किस्मत ने ऐसा कोई मजाक किया भी हमारे साथ, तो वो मेरी जिंदगी का अंत ही होगा विजय। उस दिन तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा मत बोलो दिव्या। यदि मेरी परीक्षा ही लेना चाहते हो विजय,
तब दिव्या ने अजीब सी नजरों से विजय की ओर देखा। एक बार फिर वही सब कह कर देख लो जो कि तुम अभी अभी कह रहे थे, और इसका उत्तर तुम्हें आने वाली सुबह तक मिल जाएगा। फिर तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। ऐसा मत सोचो दिव्या। नहीं सोचूंगी, कभी नहीं सोचूंगी विजय। मगर तुम्हें भी वो वादा करना होगा कि इस प्रकार के शब्द आज के बाद फिर कभी अपने होठों पर नहीं लाओगे। विजय ने होठों से कुछ नहीं कहा, मगर उसके प्रति अपने दिल में बसे प्यार के असीम जज्बे को प्रमाणित करने के लिए दिव्या को अपने बाहुपास में भर लिया। उसके ऊपर झोंकता चला गया। दिव्या की आंखें मूंद गई, जैसे वो प्यार की असीमित निधि को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। उसने अपना सिर विजय के विशाल सीने पर टिका दिया। तब भी दिव्या के दिल में एक बार फिर जैसे कोई तूफान उठा हो। विजय की कमर पर उसकी बाहों का बंधन अचानक ही सख्त हो गया, और फिर वो पागल सी होकर विजय के अंग प्रत्यंग को इस प्रकार चूमने लगी जैसे बरसों से बिछुड़ने के बाद ये दुर्लभ अवसर उसे पहली बार प्राप्त हो रहा हो। विजय ने भी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। उसके मन में प्यार की इस भड़ास को वो निकल जाने देना चाहता था, मगर तभी अचानक एक बड़ा ही अजीबो गरीब दृश्य आया। अचानक ही दिव्या के हलक से एक डरावनी चीख बुलंद हुई। विजय ने बुरी तरह से चौंक कर देखा। दिव्या की चीख इतनी भयानक थी कि विजय बुरी तरह से चौंक गया कि क्या हुआ दिव्या? दिव्या की आंखें आतंक से फटी जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो विजय से सट गई। उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे कि क्या हुआ दिव्या, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? दिव्या के होठ फिर भी नहीं हिल सके, मगर उसने अपनी उंगली अपनी आंखों के सामने उठा दी। विजय की पीठ थी उस ओर, इसलिए दिव्या जिस ओर संकेत कर रही थी उस ओर देखने के लिए विजय को पलटना पड़ा। उसी पल विजय ने देखा कि सामने एक भयंकर काला नाग अपने फन को फैलाए फुंफकार रहा था। वो जमीन से लगभग 1.5 फुट ऊपर उठा हुआ था तथा उसकी फुंफकार से लगता था जिसे बहुत ही अधिक गुस्से में हो। एक बार तो विजय भी हिलकर रह गया। वो काला नाग बड़ा ही जहरीला और बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। उसने दिव्या की कमर में अपनी बाहों का कसाव बढ़ाकर उसे अपने और करीब ले लिया। काला बिस्तर नाग लगातार अपना फन हिला हिला कर अभी उसी प्रकार फुफकार रहा था, और उसके इस व्यवहार से दिव्या की आंखें आतंक के मारे और भी अधिक फटती जा रही थी। डरो नहीं दिव्या, विजय ने आश्वासनपूर्ण स्वर में कहा, यह हमें कुछ नहीं कहेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। डरने की कोई जरूरत नहीं है दिव्या। कोई भी सांप तब तक किसी इंसान का नहीं कोई करता जब तक कि वो उसे अपनी जान को कोई बड़ा खतरा महसूस नहीं करता। वास्तव में तो नाग स्वयं इंसानों से बहुत डरता है, और कोई भी सांप तब तक किसी इंसान पर हमला नहीं करता जब तक कि उसे अपने जान का खतरा महसूस नहीं करता। मगर ये, दिव्या ने सहमे स्वर में कहा, हमसे डरता तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। जरा देखो उसकी ओर, इसकी आंखों में कितने भयंकर भाव है। विजय ने उस काले नाग के आंखों में देखा। पल भर बाद ही विजय को लगा जैसे उसके मस्तिष्क में कोई अजीब सी खलबली मच रही हो। उस नाग की आंखों में जाने ऐसा क्या था कि विजय को अपने दिलो दिमाग पर एक अजीब सा सम्मोहन छाता हुआ महसूस हो रहा था। दिव्या के मुंह से उस घड़ी जिस प्रकार वो चीख बुलंद हुई थी उसे पार्क में मौजूद काफी लोगों ने सुना था। परिणाम स्वरूप वे सभी नजरें उधर घूम गई थी। सभी ने विजय और दिव्या को एक स्थान पर सामने से खड़े तथा एक निश्चित दिशा में देखते हुए देखा।
नजीजन पार्क में मौजूद जोड़े सस्पेंस की स्थिति में उस ओर आ गए थे। काला बिस्तर और नाग अभी उसी प्रकार फुफकार रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बड़ा ही गुस्से में हो। देखते ही देखते वहां रंग बिरंगी पोशाकों वाले जोड़ों की भीड़ी लग गई। सभी लोग कुछ दूरी से मंत्रमुग्ध नेत्रों से क्रोध में फुफकारते उस भयंकर बिस्तर को देख रहे थे। एक युवक ने सहम कर पीली पड़ रही दिव्या की ओर देखा। आप लोगों ने, उस युवक ने पूछा, इसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की? दिव्या ने इनकार में गर्दन हिलाई। उसी घड़ी टाइट जींस और टाइट ही टॉप्स वाले एक खूबसूरत और आधुनिक युवती कुछ कदम आगे बढ़ी। वो इस क्रोधित नाग से जरा भी डरती नहीं लग रही थी। एक युवक जो शायद उसका प्रेमी था, उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। वो दिव्या और विजय के बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसने बड़ी गौर से नाग की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में शरारत के भाव पैदा हुए। शरारती मुस्कुराहट के साथ ही उसने दिव्या की ओर देखा। एक बात, उसने कहा, मैं दावे के साथ एक बात कह सकती हूं कि ये नाग या नागिन जो कोई भी है, पूर्व जन्म का कोई असफल प्रेमी या प्रेमिका रहा है, इसलिए दूसरों को प्यार करते देखकर इसे जलन होती है। इस घड़ी ये अपनी उसी जलन का प्रदर्शन कर रहा है। मगर आतंक के उस माहौल में शरारती युवती की इस शरारत पर किसने गौर नहीं किया? हे प्रेमी देवता या देवी, उस युवती ने एक विशिष्ट अंदाज में अपने दोनों हाथ जोड़कर उस काले नाग की ओर देखते हुए कहा, आप जो भी है, मैं समझ रही हूं कि आपने प्रेम में चोट खाई है, इसलिए उस चोट से कितनी पीड़ा होती है इसे आपसे अधिक कौन समझ सकता है। इसलिए आपके लिए ये उचित नहीं हो सकता कि आप दूसरे के प्यार में बाधा बने। मैं आपसे विनती करती हूं कि दूसरे के प्यार के ऊपर आप ये जुल्म ना करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं तो कृपया अपना ये क्रोध शांत कीजिए और यहां से चले जाइए। दूसरे लोग इसे एक दुस्साहसी और शरारती लड़की की शरारत ही समझ रहे थे, मगर ये संयोग ही था या कोई चमत्कार था कि उसके शब्दों के समाप्त होते ही उस काले नाग ने फुफकारना बंद कर दिया। उसने अपना फन झुका लिया, फिर उसका फैला हुआ फन सिकुड़ता चला गया। लोगों ने साफ साफ देखा कि नाग ने अपना फन पूरी तरह सिकोड़ कर झुका लिया और देखते ही देखते वो करीब की एक झाड़ी में सरक कर अदृश्य हो गया। देखा, उस युवती ने उत्साहित स्वर में कहा, मैंने कहा था ना कि प्रेम में असफल किसी भी प्रेमी की आंखों में झांक कर मैं पल भर में ही बता सकती हूं कि प्यार में उसने कितनी गहरी चोट खाई है। उसके शब्दों के साथ ही बहुत सारे होठों पर एक साथ मुस्कुराहट उभर आई। मगर दिव्या शेखावत की आतंक से फटी फटी नजरें अभी तक उसी स्थान पर लगी थी जहां की पल भर पहले ही वो काला भयंकर बिस्तर क्रोध से फुफकार रहा था। उसकी आंखें जैसे इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मौत का उस साक्षात देवता अदृश्य हो गया, जबकि विजय जैसे न तो कुछ सुन ही पा रहा हो और न ही वो कुछ समझ पा रहा हो। वो जैसे वहां के पूरे वातावरण से पूरी तरह बेखबर हो। इस घटना के बाद पल भर के लिए भी यहां ठहरने की हिम्मत दिव्या में नहीं रही थी। अब तक भी वो उस काले नाग से बुरी तरह से आतंकी थी। विजय प्रताप सिंह उस नाग से आतंकी तो नहीं था, मगर ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि उस नाग की आंखों में आखिर ऐसा क्या था जिससे उसके ऊपर सम्मोहन का असर हो गया था। उसके दिमाग में खलबली सी क्यों मच गई थी, ये समझना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। मगर ऐसा केवल कुछ क्षण के लिए हुआ था। इस घड़ी वो सामान्य था। उसने दिव्या की ओर देखा, उसकी हालत को समझ रहा था,
कि वो किस कदर आतंकी थी। आओ दिव्या, विजय ने कहा, किसी रेस्टोरेंट में चलकर कॉफी पीते हैं। बाहर सड़क के किनारे पर विजय प्रताप सिंह की सुर्ख रंग की नई मारुति खड़ी थी, जिसमें कि वे दोनों सवार हो गए। विजय प्रताप सिंह ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया तथा वो आगे बढ़ गए। कुछ पल तक दोनों के मध्य मौन छाया रहा। विजय, अंत में दिव्या ने मौन भंग किया। स्टीयरिंग को संभाले संभाले विजय ने पल भर के लिए दिव्या की ओर देखा। हाँ, कल चंदन काका मिले थे। चंदन काका कहाँ? मैं बाजार गई थी, वो भी घर का कुछ सामान खरीदने आए थे, वहीं पर मुलाकात हो गई। अच्छा, कह रहे थे चंदन काका कुछ? कह तो रहे थे, दिव्या ने बताया, बल्कि विशेष बात कह रहे थे। विशेष बात? विजय की आंखों में पुनः प्रश्न सूचक भाव उभरे। विशेष बात क्या? वह जो बंबई में डॉक्टर ने बताई थी। इसमें विशेष क्या? उस डॉक्टर ने भी वही बताया जो अब तक दूसरे डॉक्टर बताते रहे हैं। उसने भी आश्वासन दिया है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई गंभीर मामला नहीं है, मगर अभी तक तो ये आश्वासन केवल आश्वासन ही सिद्ध हुए हैं। मगर वो विशेष बात तुम नहीं बता रहे हो, दिव्या ने अर्थपूर्ण अंदाज से उसकी ओर देखा। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। उस डॉक्टर ने कहा था कि, दिव्या ने स्वयं ही कहा, जल्दी से तुम्हारी शादी कर दी जाए तो तुम्हारी ये बीमारी, यदि बीमारी है तो सुधर जाए, कि सुधार की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी अगर तुम्हारी शादी कर दी जाए तो। दिव्या के इस कथन पर मुस्कुराहट की जगह विजय के चेहरे पर गंभीरता छा गई। नहीं, कहा डॉक्टर ने ऐसा? डॉक्टर ने ऐसा कहा तो था, इसके बावजूद भी तुम अभी अभी मुझे बता रहे थे कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग होने का निश्चय कर चुके हो। हाँ, विजय ने कहा, बल्कि विशेष रूप से इसलिए मैंने ये निश्चय किया था। इसलिए विशेष रूप से? दिव्या की आंखों में हैरत के भाव प्रकट हुए। लेकिन क्यों? क्योंकि इस प्रकार की शादी का मतलब होगा कि उन हालात में मेरी पत्नी मेरे लिए पत्नी नहीं होगी। पत्नी नहीं होगी? दिव्या ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। फिर क्या होगी? उन हालात में पत्नी मेरे लिए दवाई के रूप में होगी, और दवाई को निगल जाना होता है, और मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष लड़की को निगल नहीं जाना चाहता। दिव्या, विजय, दिव्या के मुंह से सिसकारी से निकली, क्या मैंने कुछ गलत सोचा? दिव्या, तुमने ठीक ही सोचा विजय, वास्तव में तुमने ऐसा सोचकर महानता और उच्च आदर्शों की एक मिसाल कायम की है। मगर एक शिकायत फिर भी है तुम मुझे। कैसी शिकायत? किसी भी लड़की के बारे में तुम्हारा ऐसा सोचना तो वास्तव में वैसा ही है जैसा कि मैंने कहा है, मगर मेरे बारे में भी तुमने वैसा ही सोचा जैसा किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच सकते हो। ये जानकर मुझे कितना दुख पहुंचा है उसका अनुमान भी तुम नहीं लगा सकते। दिव्या, तुमने ऐसा क्यों सोचा मेरे विषय में? तुमने सोचा कि मुझे तुम्हारे दुख दर्द में हिस्सा बटाने का कोई हक नहीं है? विजय इसका कोई उत्तर दे पाता उससे पहले ही गाड़ी उनकी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। एक कैफे के सामने गाड़ी रुक गई। एक तरफ विजय अपनी बीमारी से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और इसीलिए अपने दुख में, अपनी इस बीमारी के चपेट में वो दिव्या को नहीं लाना चाहता था, इसलिए उसे शादी नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ दिव्या थी जो दिलो जान से विजय को चाहती थी, और हर हाल में विजय से शादी करके उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। और इन सब के अलावा एक और था जो दिलो जान से या फिर जन्म जन्मांतर से विजय का इंतजार कर रहा था। विजय के प्यार में जन्म जन्मांतर से सुहागिन बन के विजय के लिए तड़प रही थी, और वो थी
एक इच्छाधारी नागिन, जन्म जन्मांतर की एक सुहागिन, एक इच्छाधारी नागिन की प्यार, जज्बात और उसके बेपनाह मोहब्बत की ये कहानी आगे भी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन आज नहीं, इसके आगे की कथानक सुनिएगा इसके अगले एपिसोड में। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की पहली एवं इसकी प्रीमियर एपिसोड स्टोरी विद अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरा एक सुपरनेचुरल फैंटेसी उपन्यास, इच्छाधारी नागिन की प्रेम पर आधारित एक बहुत ही जबरदस्त नॉवेल था जिसका नाम था नागिन और सुहागिन। इस उपन्यास की ये पहली एपिसोड थी, इससे आगे की कथानक इसके दूसरे एपिसोड में आप लोग सुन सकेंगे, जिसे लेकर आऊंगा मैं अरुण गिरी कल के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा इसी उपन्यास की दूसरी कड़ी के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज की एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।